स्वागत है।
रिमो उतर यहाँ। स्वागत है भाई, स्वागत है। अच्छा ठीक है, ठीक है। स्वागत स्वागत है भाई, स्वागत है। जनाब 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 तुम्हारा मुंडा का बाइक और पूरा है। जनाब जनाब चैलना जी, मैं घर आया थी जनाब, एक बार इतने सड़क के नहीं दिया कुछ यार। चंबा का नेता कैसा हो, नीरज भाई जैसा हो। चंबा का नेता कैसा हो, नीरज भाई जैसा हो। चंबा का नेता कैसा हो, नीरज भाई जैसा हो। चंबा का नेता कैसा हो, नीरज भाई जैसा हो। हमने सब ने इकट्ठे मिलके पंचायत को जय हो जय हो सेट करना और ऊंचाइयों में पहुंचाना और जो आपके छोटे मोटे कार्य है उनको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। भविंदर जी ठीक है। राजीव जी हमारे पोलिंग बूथ एजेंट है जनाब। राजीव बोला था स्कपर भी उन्होंने। नीरज नैयर जी, नीरज नैयर जड़ा है आज अपनी ओर का, अपने तमाम गांव वासियों की ओर का, और नव निर्वाचन होने पर 14 साल का वनवास कटिगरी न्यू सरे बिच मारे विधायक नीरज नैयर जी अज मारे समुख इन उदयपुर पंचायत धारने पर मैं अपनी ओर का, अपनी ग्राम पंचायत उदयपुर की ओर का और समस्त ग्राम वासी उदयपुर की ओर का धन्यवाद करता और स्वागत करता, धन्यवाद करता। टाइम की कमी है, बोलने तो बड़ा कुछ है कि इन अगे जाना मारे एरिए वार्ड डोर टू डोर पहले भी सर्वे मतलब आए थे जनाब हो रही असी मतलब वार्ड प्रति मीटिंग होनी मारी उत्ते तुम्हारे जी सारी समस्या का समाधान करना और कोई भी किसी प्रकार का मेरी उदयपुर पंचायत अंदर मतलब ये समझते भाई दे कांग्रेस है बीजेपी है मेरे वास्ते नहीं, कांग्रेस नहीं बीजेपी है, इलेक्शन तक सारा कुछ हमारा इलेक्शन के बाद नहीं ओंकार प्रधान ने किया नहीं मारे नीरज नैयर साहब करी सकते।
हमारे ऊपर विश्वास है। नीर साहब ने एक रिक्वेस्ट है मेरी, चलो मोटे तौर पर मैं बोलूंगा कि बाई टाइम में हमारे मीटिंग होने के पहले ही कोई प्रॉब्लम आई जाए, ऐसी गल आती कि मेरी हमारे उदय पर 279 बीघे जमीन है जो देखे रिक्त पे मतलब सर्वे करन और जो पॉसिबल हो सकता है नी। असि पहले भी एक स्टेडियम वास्ते भी किया था, हमारे कागजात चली गए है नी जी, करके हो ही जाता धन्यवाद करता सार्वजनिक सरकार आंदी जांदी जांदी रहंदी। असी चांदे एक नया मारा पौधा हो गया उस जड़ा स्टैंड होए ऊपर है नी, सदा हरा भरा रहे और इन्हां दा नाम जड़ा है जिस तरीके ने रे डैडी दा नाम अज उजागर होया करदा है, प्लस टू स्कूल माजर साहब ने ता हाई सेकेंडरी स्कूल नेरे डैडी ने कितने डाइट नेरे चलिया करती है, कई भी कई नेरे बदौलत चलिया करता है, जितने भी स्कूल प्राइमरी खुड़े वगैरह परे खुड़े जितने भी होया सारे कांग्रेस पार्टी देन है। और मैं यही नीर साहब ने रिक्वेस्ट करता एक दे पर एक ऐसी चीज वो करनी जी उम्र वाले मारे तो मारे मारे पोते तक भी याद करने ते नीर नीर मतलब भाग लेन और अपना सुझाव मार देन, उस सुझाव जो जड़ा है प्राथमिकता के आधार पर ले करी माननीय विधायक नर नरवाल विधायक समक्ष रखने धन्यवाद करना और नर नरे धन्यवाद करता मैं नीर साहब का कष्ट करता और धन्यवाद करता सॉरी मैं भूली गया धन्यवाद तो मैं उदयपुर पंचायत की प्रबुद्ध जनता जड़ी आज इतने एकत्रित हुई है, मैं तुसी सारे का धन्यवाद करना चाहता कि इस बारी उदयपुर पंचायत ने चमत्कार किया और मैं इतनी उम्मीद उदयपुर पंचायत का की थी नहीं थी जिनी गल वोट में जो उदयपुर पंचायत कर पे वाकई ये अपने आप अंदर एक रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड ही है। मैं पिछले 15 साल का हिस्ट्री देखे करता थिया उदयपुर पंचायत की, तब बीजेपी का काफी इतने पलड़ा भारी रहता थिया पर इस बारी उदयपुर पंचायत ने जोड़ा है बड़ा अच्छा कितना। हालांकि मिंजो एक्चुअली मेरी ओथ होनी है अजय, तो ओथ जो अजय काफी मेरे ख्याल अगले साल अंदर ही आनी है 31 मार्च के बाद, तो मैं मेरे अंदर सोचा कि जो ना मैं
ਪੂੰਜਾ ਪੰਚਾਇਤ ਹੈ ਚੰਬਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਜਿਵੇਂ ਜੋ ਟਾਈਮ ਲੱਗੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਥਲਾਣੇ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਪੂੰਜਾ ਪੰਚਾਇਤ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਆਂ ਕਿ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਮੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਤੁਸਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਪੁੱਜਿਆ ਤੁਸਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਤਾਇਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਰਹਾਂਗਾ ਜੇ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚੀ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਨੀਅਤ ਕਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਨੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਪੂਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੈਂਪੇਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਮੇਰੀ ਮਿਸਿਸ ਨੇ ਕੈਂਪੇਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੈਂਪੇਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਕੂਲ ਅੰਦਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੰਡੇ ਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਉੱਥੇ ਚਲੀ ਪੈ ਕੱਲ੍ਹ ਕਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸਕੂਲ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੇ ਪੂਰੇ ਗੁੰਜਾ ਪੰਚਾਇਤ ਅੰਦਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੇ ਕਿ ਤੁਸਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਿਆ ਇੰਨਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਿਆ ਔਰ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰੀ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਕੁਛ ਮੇਰੀ ਕੁਛ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਹੋਰ ਅਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਅਵੇ ਤੁਸਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹਮਾਰੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਾਰਡ ਮੈਂਬਰ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ ਹਮਾਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੱਕ ਸੀ ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਮਿਲੀ ਜੁਲੀ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਮਾਰੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਾਰਡ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਅਵੇ ਸਮੇਂ ਹੈ ਤੁਸਾਂ ਦਾ 10-15-20 ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ 2-4 ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆਪਣੀ ਪੰਚਾਇਤ ਅੰਦਰ ਜੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਾਸ ਕਰਾਈ ਕੇ ਲਈ ਇਸਕਾ ਆਪਣਾ ਪੰਚਾਇਤ ਕਾ ਪਹਿਲੇ ਸਿੰਪਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਦਿਓ ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਭਈ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣੇ ਵਾਲੇ ਹਨ ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ 50% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਚਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 50% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਸਕੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਚਾਹੀਏ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਚਾਹੀਏ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਵਾਲੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਰਾ ਲੂੰਗਾ ਅਭੀ ਫਿਲਹਾਲ ਜੋ ਹੈ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਦਿਓ 2-4 ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਉਸੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪੱਕਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਅੰਦਰ ਪਾਂਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਰੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿਖੀ ਲੇਗੇ ਜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜੁਗਾ ਹੈ ਕੁਛ ਤਾਂ ਉਸ ਪਰ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਵਿਮਰਸ਼ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲੇਗੇ ਕਰੇ ਵਾਰਡ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹਨ ਫਸੇ ਦੇ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਰੇ ਵਾਰਡ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਕੋਈ ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਫਸੇ ਦੇ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਆਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਈ ਕੋਰ ਕਸਰ ਮੈਂ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰਾ ਹੈ ਦੌਰਾ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੇ ਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀ ਰਹੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 5 ਤਰੀਕ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜੋ ਲੱਗਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਸੇ ਪੂਰਾ ਪੀ ਜਾਣਾ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਕਰੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਨ ਛੱਪੇ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹੈ ਇਸੇ ਦੀ ਬੜੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਹੈ ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਗਿਆ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਕਮੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮੈਂ ਫਰਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਪੂਰੇ ਤੰਤਰ ਅੰਦਰ ਕੁਛ ਫਰਕ ਅਗਰ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕਾ ਹੋ ਹੀ ਸਕਿਆ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਕਰਦਾ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਜੇ ਮੇਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਰੇ ਵੀ ਹੋਈ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈ ਮੇਰੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਚੰਬੇ ਅੰਦਰ ਕੁਛ ਹਮਾਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਜ ਹੈ ਇਸ ਕਰੇ ਸਾਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਹੈ ਪੂਰੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੇ ਇਸ ਕਰੇ ਜੁੜੇ ਦੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਹਮਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪਠਾਣੀਆ ਜੀ ਮਟਿਆਦ ਦਾ ਅਸੀਂ 2 ਜਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਕਾਬੇ ਜਿੱਤੀ ਕੇ ਆਏ ਔਰ ਇਹ ਕਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹਮਾਰੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਹੀ ਵੀ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਕਨੇ ਮਿਲੀ ਜੁਲੀ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫੋਕਸ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਉਸ ਅੰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਪਰ ਮੈਂ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਇਹਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕੋਈ 560 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਪੈਦਲ ਮੈਂ ਕਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ
और कम से कम 10-12 पंचायत सड़क मतलब उजाला बड़ा भारी जरूरी है। तो मेरी प्राथमिकता होनी जितने सड़क पूजी नहीं बिल्कुल सारे का पहले उतने कम से कम इन्ना तक तो पूजी जानगी जोड़ा चोटी अंदर बसेरा घर है था कम से कम जो उसको 5 घंटे या था 8 घंटे 5 घंटे पैदल चली के थले आना पौंदा तो चलो कुछ सड़क बीच बीच रास्ते चली जाए ताकि वो 1 घंटा हो जाए। एक दिन अंदर तो असं सारा कुछ कर ही नहीं सकते पर तुसा जो असल जड़ा है थोड़े टाइम बाद साल डेढ़ साल बाद तुसा जो मैं उम्मीद करता है प्रभु करे मेरी परमात्मा परमात्मा करे यही मैं रोज अर्ज करता कि शक्ति दे मिजो काम करने की इच्छा शक्ति है अपने इलाके जो अगे ले जाने वास्ते इच्छा शक्ति है और कांग्रेस की सरकार प्रदेश अंदर बनी है 15 साल बाद चंबे कॉन्स्टिट्यूएंसी अंदर कांग्रेस का विधायक आया है। मेरी यही कोशिश रही है कि मैं अच्छा काम करा करे बेरोजगारी बड़ी ज्यादा है हमारे इलाके अंदर उस अंदर भी मैं सोच विचार कर रहा है कि क्या असी अपने इलाके अंदर रोजगार जो है पैदा कर सकते सेम ही मेरी कोशिश है मैं पुरजोर तरीके करे कोशिश करनी है और बच्चे सारे कोई 10वीं पास है कोई 12वीं पास है ज्यादा बच्चे दे जड़े एम टेक एन बी टेक एन उन्होंने तो नौकरियां अमूमन मिली जाती है पर जड़े घट पड़े दे होंगे उन्हें जो बड़ी समस्या है तो मैं कोशिश करनी है मैं इलेक्शन का पहले भी वोट मंगने का पहले वादा कभी नहीं बोले कि मैं लाई जाने मैं यही बोले मैं कोई इस तरीके का सिस्टम बनाना है कि कुछ ना कुछ बच्चे जड़े बड़े मजबूर हैं ग्रांत उन्हें जो कुछ ना कुछ है नौकरी के जो कि मुझे पता है घर नजदीक ये रोटी मिली जाएगी तो 5-7-8 हजार भी मिली जाए तो बच्चे जड़े हैं उसके लिए खुश हो जाते हैं। तो मेरा बोलने का मतलब है कोशिश मेरी रहनी है उस अंदर कामयाबी जड़ी है से तो वक्त आने अंदर ही पता लगना 2-3 साल अंदर मैं किन्ना कर करी सकता किन्ना कर नहीं करी सकता ते एक बारी तुसा सारे ना चढ़ा है मैं पंचायत का एपल पंचायत वासियों का मैं धन्यवाद करना चाहता आज सोमवार है ये जो पता है लोग आज शहर अंदर कोई कम है कोई दिहाड़ी लाता कोई कुछ है पर जे मैं मीटिंग अपने नहीं करता हूँ कार जी मुझे बोले कर दे दियो ब्याका 10 बजे का टाइम है बने की ना कटे ने मैं लिया खाले है कि एक पंचायत अंदर मैसेज जाना चाहिए कि तुम्हारा जड़ा विधायक ने चुनी के आया है जीतने बाद पहला काम जड़ा उन्हीं जीते हैं तुम्हारा धन्यवाद करने वास्ते तुम्हारे बीच आया है जड़े लोग नहीं भी आई सके उन्हें जो भी पता लग गया कि आए थे बाकी महीना डेढ़ दो महीने लग रहे अजय सरकार मिजो पूरी सेटिंग करते करते मैं बड़े तरीके करे सिस्टम सेट करना लाया था मिजो थोड़ा समय लग रहा है सेट करना लाया था उसके बाद बिल्कुल आराम करने तंत्र चढ़ाया चली पूरा करे जिन्होंने मिजो वोट पाए से भी अपने जिन्होंने नहीं पाए से भी उन्होंने ही अपने अगली बारी पाई जाएंगे आ गया होया कोई नई गल नहीं है असी कोई दुर्भावना करे उन्हें करे कोई हमारे दया दे नहीं मैं पहले भी जहाँ इलेक्शन अंदर आया थी मैं ये चीज बोली थी और मैं आपे भी दोहराई करता है कि ये देही कोई चीज नहीं है असी आए हैं राजनीति अंदर अपने इलाके की तरक्की करने वास्ते आए थे इस वास्ते नहीं आए थे कि ये तेरा है ये मेरा है ये किसी होर दा असी सार्वजनिक विकास अबे प्रधान जी ने अच्छी गल्ला भी इतने दसिया मिलो जड़ी सार्वजनिक चीजा है स्टेडियम है से कोई कांग्रेस वास्ते नहीं है सारे वास्ते है सड़क है से सारे वास्ते है पानी की स्कीम है से सारे वास्ते है तो कोई नई चीज तो है जितनी भी मेरे का जो जो भी मेरे का बन सके मैं अपने पास का जड़ा है पूरा जोर पाना है एक गल जरूर है कि जिन्हों लोगों ने दिन रात मेरे कने मेहनत की चाहे वो मेरे कोल कोल थे सुंडू बड़े ध्यान कने दिखे कर रहा ते और जड़े सारे कने लोग जुड़े थे नेचुरली जड़े दिन रात चले करने प्राथमिकता तो नहीं होंगी इन्ना कर ही फर्क होंगे पर ये चीज नहीं होती कि जिन्होंने वोट नहीं पाए उन्हें मुल्की रोड़ी दानी ये पिछली सरकार ने कर दिया द्वेष दुर्भावना करें ऐसी कोई काम नहीं करना सारे अपने काम करना जरा मजबूर है जिसको जरूरत है चाहे वो भाजपा का है चाहे वो कांग्रेस का है सारे अपने काम करना पर एक गल है प्राथमिकता अंदर जड़े लोग दिन रात चले प्राथमिकता तो होती है प्राथमिकता तो दाड़ा होती है प्राथमिकता अपने बंदे जो रहनी है बाकी सारे सर्वजनिक काम करे
करने ते समय का अभाव है। उसके बाद मैं बरासे जाना है, उसके बाद मैं तराटे जाना है, उसके बाद मैं अंजोर जाना है, उसके बाद झील बगड़ा जाना है, उसके बाद कोलगी जाना है, फिर उसके बाद सिंगी जाना है। पांच बजे तक मैं तुसा लोगों का ऋणी है, एक गल समझो, मैं तुसा लोगों का ऋणी है। तुसा ने पुजाया बस आशीर्वाद बनाई रखना, सारे काम वही मेरे का हो रहे नहीं। मैं पहले तुम्हें दस करता है सारे काम मेरे का संभव नहीं है। छोटी छोटी गल नाराज नहीं होना, ये कोई इस बारी नहीं जानता, अगली बारी उसे नंबर लगी आना। बारी बारी करी के मेरे को कोई जादू की छड़ी तो है नहीं कि मैं एकदम छू मंत्र बोलना था सब कुछ। मैं पिछली स्पीच अंदर भी बोलता था सार्वजनिक काम अंदर कोई कोर कसर नहीं रहे, सारे मिली जुली के चलो एक साथ चलो। जितने पंचायती तरक्की की गल आती कोई बीजेपी कांग्रेस नहीं करना, जितने पंचायत का कुछ भला हो करना उत्ते कोई बीजेपी वाला कांग्रेस का काम ना रोके। जरा काम पंचायत अंदर हो करता है वो सारे पब्लिक का काम है, सिर्फ बीजेपी वाले वास्ते भी है कांग्रेस वाले वास्ते भी है। अच्छी सोच लेके असी सारे लोगों ने आगे बढ़ना है। मैं इन्हीं शब्दों करे विराम लेता, तुसी लोगों जो शॉर्ट नोटिस अंदर इतने मैं रिक्वेस्ट की थी ताकि मैं नतमस्तक होकर तुसा सारे लोगों का धन्यवाद कर सका, यही आभार हमारा प्रकट कर सका। इसी तुसी लोगों ने विधायक चुनी के मुझे शिमले भेजा है, तो शिमले जाने का पहले मैं तुम्हारा आशीर्वाद जोड़ा है अपने कने ले के जा। तुसी लोग परमात्मा प्रभु करे प्रार्थना करो कि मुझे प्रभु शक्ति दे कि मैं अपने इलाके वास्ते इन पंज साल अंदर कुछ ना कुछ फर्क लेके आ अपने इलाके वास्ते। इन्हीं शब्दों करे मैं विराम देना। जय हिमाचल, जय चंबा, जय उदयपुर, धन्यवाद। क्या बात है, पांगी नहीं ठांगी गुड, ठीक है जी। भाई भाई लगेंगे आपको प्रस्ताव डालो, खंबे खुंबे तो मैंने छड़ने नहीं है, ये जड़े काम है ना, खंबे तारा तो ट्रांसफार्मर क्या बोलते हैं, सुधरा नहीं मिसे जड़े महीने लगने 31 मार्च तक सिस्टम लिख कर दी, 31 मार्च तक यह सारा सिस्टम लेने असी रेजुलेशन देने दे। मैं आपको आईपीएस वाला साधना पदार्थ देखो, मेरी बात सुनो, ऐसा अबे मुझे एक डेढ़ दो महीने का टाइम दे, दो महीने का पहले आपको विधि बात
ठीक है सर, ठीक ठीक जनाब जनाब हाँ जी नाम कथा जी ठीक है देखो और यहाँ पर विराजमान हमारे हिमाचल प्रदेश कांग्रेस संघ के उपाध्यक्ष श्री सुब्रत सिंह ठाकुर जी, वरिष्ठ यहाँ पर हमारे मीडिया के बंधु भाई जुगेंद्र जी, भाई आर के ठाकुर जी, मीडिया के सभी प्रेस बंधु और यहाँ की माननीय सम्माननीय भाई बहनें, तमाम वरिष्ठ कार्यकर्ता, अपने तहसीलदार साहब जी, माननीय जरियाल जी, माननीय मान सिंह जी और यहाँ पर तमाम सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता कांग्रेस के और यहाँ की प्यारी बहनें, भाइयों और बच्चों, यहाँ पर हमारे माननीय श्री नीरज जी महामाई काली माता के प्रांगण में पधार चुके हैं, यहाँ पर विराजमान हो चुके हैं। हम तहे दिल से पूरी भरोता पंचायत की तरफ से तथा यहाँ की जनता की तरफ से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागतम करते हैं। प्रधान उप प्रधान जो एक्स प्रधान है श्री जयसी राव जी, रीना प्रधान जी, सभी का यहाँ पर हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं कि भरपूर शोक के साथ श्री नीरज नैयर जी का हार्दिक स्वागतम किया। और सबसे पहले मैं बातें बात में करूंगा क्योंकि आज बहुत जगह प्रोग्राम है, नीरज नैयर जी का यही आदेश था कि हम जनता का आभार प्रकट करने के लिए हर मचातों पर जाएंगे क्योंकि इनके पास 4-5 दिन का समय है। ये चाहते हैं कि जनता ने मुझे पूरा भरपूर सहयोग दिया ताकि मैं भी वापस उनको उनका धन्यवाद करने के लिए हर पंचायत का दौरा करूं। तो आज सबसे पहले इन्होंने दौरा जो है उदयपुर पंचायत से किया और सेकंड दौरा जो है भनौता का है। हमें बहुत उम्मीद थी, इस बार आशा थी कि 15 सालों के बाद जो ये सीट आई है कांग्रेस की, इसमें लोगों में काफ़ी उत्साह है और ये भी मानना है ये जो सीट जो आई है इसमें हमारा सहयोग नहीं है, सबसे ज़्यादा सहयोग जो रहा वो श्री नीरज नैयर का खुद का रहा क्योंकि पिछले 5 सालों में बिल्कुल भी ये जो अपने इतने कार्य में व्यस्त रहे, इतने लोगों के बीच में जाते रहे, लोगों के बीच में जाकर के नौजवानों का काम करने के लिए इतना इन्होंने समय लिए, पूरे 5 सालों में भरपूर इन्होंने अपना योगदान दिया। सबसे ज़्यादा फिर जो जीत रहेगा, अनुरोध करूँगा कि माननीय विधायक महोदय श्री नीरज नैयर जी को टोपी से सम्मानित करें और साथ में भानु नैयर जी को
अपने शोर से सम्मानित करे। सिंह जी कामता ठाकुर जी कांता ठाकुर जी और श्रीमती मोहनी जी, ये माननीय श्रीमती भानु ने जो नैयर जी को शोर से सम्मानित करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद। एक फोटोग्राफ जो है वो माननीय श्री नीरज नैयर के साथ और भानु नैयर के साथ ले लें कृपा। एक आदरणीय अगर समय हो तो इजाजत हो तो धर्मपाल गिरयाल जी दो मिनट के लिए अपना समय देंगे। विधान विधायक विधानसभा सदस्य विधानसभा क्षेत्र चंबा का मनहत्ता पंचायत में हम सब मनहत्तावासी पंचायत वासी जनता की ओर से आपको जीत की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। इसके साथ ही गांव मनहत्ता पंचायत के सभी लोगों को की और हमारे जो लोकल वर्कर है उन सबको बधाई कि उनके हार्ड वर्क और उनकी सपोर्ट आशीर्वाद से हमें जीत प्राप्त हुई है। कि प्राय ओपोजिशन पार्टी ने बहुत षड्यंत्र किए, हमारी भावनाओं के साथ खेला, धर्म जाति के साथ खेला, हमारे जो असली मुद्दे थे बेरोजगारी महंगाई रोजी रोटी सड़क शिक्षा उन सारे को छोड़ करके दूसरे मुद्दों को उठाया, पर हमारी जनता जो है फिर भी असली मुद्दों पर अपना मत दे करके हमें विजयी बनाए। मैं सभी अपने संगठन के वर्कर से निवेदन करूंगा कि 5 साल तक जैसे हार्ड वर्क आपने अभी किया है वैसे अपनी सरकार की योजनाओं और स्कीमों को और उनके विचारों को पब्लिक तक ले जाएं ताकि उनकी जो आशा हमारे ऊपर बंधी है उनको हम ठीक से निभा करें। हमें अपने विधायक से पूरी उम्मीद है कि हमारे जो भी दुख तकलीफ हैं उनको ये समय पर सॉल्व करेंगे और मेरी आपसे एक विनम्र निवेदन रहेगी कि हमारे जो भी गाँववासी जिस भी ऑफिस में जाएँ उनके टाइम और उनके दोबारा चक्कर ना लगे, इसके लिए आप थोड़ा पर सारे डिपार्टमेंट को थोड़ा आगाह कर दें। धन्यवाद जी। इसी के साथ में ज्ञान जी ने अच्छा सुझाव दिया, मैं माननीय क्योंकि समय का अभाव है सामने बहुत ज़्यादा जाना है, सभी जनता जो है इनका वेट करे इंतजार के लिए खड़ी है, तो मैं निवेदन करूंगा कि माननीय हमारे चंबा के लोकप्रिय विधायक और तेज युवा तेज रात श्री नीरज नैयर जी से कि अपना आशीर्वाद जनता के ऊपर रखें। दी सारी प्रबुद्ध जनता, मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरे बुजुर्ग, मेरे यूथ के साथी, सारे लोग जो आज यहाँ एकत्रित हुए हैं, मैं आप सब लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। आज दी जड़ी मीटिंग में रखी है, ये मीटिंग एक आभार मीटिंग है। मैं सोचा कि गुंजा पंचायत का चंबे कॉन्स्टिट्यूएंसी अंदर है, इलेक्शन हो ही गया, बड़े अच्छे मार्जिन करे असी जीत हासिल की। ये जीत मेरी जीत नहीं है, जीत तुसा लोगों की जीत है। मुझे ध्यान है कि बनौते थले मैं आया थी मंदिर के कने, तो उस टाइम भी बड़ी अच्छी मीटिंग थले हुई, पर बरखा शुरू हो गई जोर कने। उसके बाद बनौता मीटिंग होगी, बढ़िया मीटिंग होगी। उसके बाद अपने फौजी जी जरियाल जी बोलते बोले इतने 10 मिनट वास्ते आना ही आना, तुम इस पासे नहीं आए। मैं इतने भी आई गया, फिर बड़ी मुश्किल बोला चाहे 5 मिनट वास्ते आओ मीटिंग करनी, तो इतने कुत्थे अगे कुत्थे कीती थी मीटिंग, हाँ देवी चंद जी के घर मीटिंग की, उस दिन भी बरखा लगी पी, तुम ध्यान होना। तो बनौते मैं 2 बार ही आया,
तो दो बारी जड़ी है बड़ी जोर कने बरखा लगी है मिंजो अंदर दुख दुख थी लगे था मैंने क्या पता बढ़ोते क्या बढ़ना तो मेरे कने फौजी जी थी तुसी थी कने तो इन्होंने मुझे बोलिया तो नहीं तो चिंता मत करो सब बिल्कुल ठीक है शुभ है ये अपना निंदू भी थी ते इस इलेक्शन अंदर कुछ इदेही चीजा हुई जड़ी इसका पहले कभी असी ना देखी ना सुनी नवी नवी चीजा हुई तो मुझे भी ज़्यादा दुख दुख दिया लगे मैंने क्या पता क्या बन गया काम तो बड़ा कितने का थी पांच साल लोगों बिच भी थी गए थे पर फिर भी तुम जो पता इलेक्शन तो इलेक्शन है पर मैं बड़ा बड़ा धन्यवादी है तुसा लोगों का सालगा बूथ जड़ा है वो अप रहा मैं मजाक नहीं है मैं कोई सोचे था ये साठ सत्तर सौ वोट मिले डाउन ही जाना मुझे लगता थी ये ना दिल अंदर मैं बोलता नहीं थी पर मुझे लगता थी मुझे ये लगता थी तो मैं सच्ची मैं ऋणी है तुम्हारा मैं ऋणी है तुम्हारा कि मुझे नहीं पता तुम क्या किए किया ये सारा कुछ होया पर बड़ा बड़ा आशीर्वाद जड़ा है बनौता पंचायती लोगों ने दिता हल्का बनौता जड़ा थिया से भी अच्छा रहा पिछली बारी का असी बेहतर कितिया उत्ते भी पर सालगा बूथ ने तो हुई कमाल ही कितिया नीरज भाई के वास्ते खाली कर दो रास्ते नीरज भाई के वास्ते खाली कर दो रास्ते बनाता भी बड़ा अच्छा रहा ओवरऑल बनाते बनाते पंचायत अंदर पिछली बारी में कोई मेरे ख्याल 100-150 वोट डाउन थिया 162 वोट डाउन थिया इस बारी असी अप हुई गए 162 कट्टी गए असी अप हुई गए अपने आप अंदर बड़ी बड़ी उपलब्धि है बाकी पिछले 3-4 दिन का घरे असी बैठते थे लोग धन्यवाद करने वास्ते आए करते थे 3-4-5 दिन तक धन्यवाद लेंदे लेंदे ही घरे टाइम हो गया फिर मेरे दिमाग अंदर एक चीज़ थी चले थी मैंने लोगों ने इन्ना मान सम्मान देते हैं लोग मेरे घरे आए करते हैं मुझे चाहता कि मैं लोगों का ज्यादा धन्यवाद करने वास्ते टाइम मेरे का है बड़ा घट तो फिर क्या करना थी मेरे दिमाग अंदर यही आया कि सड़क चल दे सड़क अबे उदयपुर बड़ी अच्छी मीटिंग हुई अबे बरौते जड़ी है अच्छी मीटिंग होगी ये कोई पब्लिक मीटिंग नहीं है ये वर्कर मीटिंग है ये तुसी लोग इन जिन्होंने मुझे इतने पुजाया है तुसी लोग कई जगह मैं गया मैं लिया मेरा धन्यवाद थी नैयर साहब तुसी टाइम कटिया बोलिया तुम्हारा धन्यवाद मैं बोलता मेरा धन्यवाद नहीं तुसा लोगों का धन्यवाद जिन्होंने मुझे इतने पुजाया और मैं चाहता कि आने वाले वक्त अंदर 5 साल बाद भी तुसा लोगों का आशीर्वाद जड़ा है मेरे सर पर है बाकी जड़ा भी मेरे का हो ही सकता मैं अपने पासे का कोई कोर कसर नहीं छड़नी मेरे कुछ मेरी कुछ सोच है मैं सोचे था सारे के पहले जाए के 6 महीने अंदर साल अंदर पहले साल अंदर चंबे मेडिकल कॉलेज का जड़ा बुरा हाल है उस अंदर कुछ सुधार करने की मैं कोशिश करनी है दिमाग अंदर पूरी सोच लेके आया है भगवान मुझे शक्ति दे तुसा लोगों का आशीर्वाद मेरे पर रहे कि कुछ फर्क जड़ा है तुसा लोगों जो इन 5 साल अंदर तुसे जो दिखने जो मिले मेरी ये कोशिश रहनी बड़ी सच्ची श्रद्धा कने शिद्दत कने मैं तुसा लोगों के बिच काम करने वास्ते आया है बाकी मैं तुसे जो बोलना चाहता कि बनौता पंचायत अंदर जड़े तुम्हारे वार्ड हैं वार्डा अंदर जड़ी तुम्हारी कोई समस्या है या कोई बिजली की है कोई खंबे है तार है कोई सार्वजनिक काम जड़े हैं इलाके दे कोई सड़क कुछ है कुछ करना है कुछ है तो जड़ी मेन मेन चीज़ा हैं से लेके आओ पहले काम तो कभी खत्म नहीं होने काम तो कभी खत्म नहीं हो सकता ना कोई कराई सकता पर सारे का पहले है वो चीज़ा बोलो जिस कने फर्क पे इलाके अंदर
और ये नहीं है कि 50 चीजें बोली रखी, ये भी ये भी ये भी ये भी ये भी जो मेन मुद्दे हैं एक आधे दो, ताकि फोकस करके हम जो है कुछ कार्यक्रम जो है वो करें। बाकी अबे मेरी ओथ भी अध्यक्ष के तौर पर हुई नहीं है, तो सॉरी अध्यक्ष नहीं पर एमएलए के तौर पर मेरी ओथ जड़ी अजय मैं लीती नहीं है, ओथ शायद 31 दिसंबर बाद ही होनी है मेरे हिसाब से, तो सेम ही जो पता लगी जाना। तो मेरी कोशिश थी कि ओथ का पहले पहले 52 पंचायत जड़ी इन मैं कम से कम टच करी हाँ कि धन्यवाद करी हाँ जी मैं इतने आया, मुझे पता है सोमवार है लोका लोग कोई मुंडे कॉलेज अंदर गए थे, कोई स्कूल अंदर गए थे, कोई दिहाड़ी लाए करता है, सारे लोग व्यस्त हैं। पर पंचायत अंदर आने का कारण यह है कि लोग जो है पता लगना चाहता है कि तुम्हारा जड़ा विधायक है जीतने बाद तुसा दे बिच धन्यवाद करने वास्ते आया है, तुसा लोगों ने कम से कम धन्यवाद करी हाँ, क्योंकि उसके बाद एक बारी सरकारी तंत्र अंदर असी बह गए तो फिर ही क्या होंगे होर काम बड़े पी जाते। अबे मेरे का समय किया तो मैंने इस समय का जड़ा है फायदा उठाई ली है, तो सड़क जितने भी इन लोग कटी सकते मैसेज दे रहे हो, जड़े आई सकते थे आई जान, जड़े नहीं आई सकते थे मैं तो इतने ही है 5 साल जड़े आई के मिली सकते, तो मैं चाहता थी कि पंचायत अंदर जाके मैं जड़ा है धन्यवाद करा। तो ये जगह सिलेक्ट की अज पिछली बारी थले बरौते थलके बरौते कितने थी, तो मैं सारे जो यही हाँ मेरे पर बनाई रखना अजय सरकार जो पूरे तरीके कने स्विंग अंदर आने जो कम से कम 2-3 मिलियन लग रहे हैं अजय, तो बाकी हमारे सीनियर लोग यहाँ बैठे हैं, मैं कुछ इरा ना एक आदमी का मैं ना नहीं लेना चाहता कि जो ये जीत जड़ी है एक आदमी की जीत नहीं है, ये मेरी तुसी बोल गए कि मैं मेरी वजह के मैं जीते हैं, मैं अपनी वजह के नहीं जीते हैं, तुम्हारा प्यार है तुम्हारा आशीर्वाद है दूसरा लोगों ने जताया था, अब मेरे पर बड़ी भारी जिम्मेवारी पड़ गई कि लोगों जो ये पता लगे कि नहीं नीरज नैयर ने 5 साल के कार्यकाल अंदर कुछ ना कुछ काम ये किते, हमारे सारे मेन लोग जड़े इतने इकट्ठे हुए थे, तो मैं सारे जो बोलता कि हर वार्ड अंदर जड़ी भी तुम्हारी मोटी मोटी समस्या है दसनी, छोटी छोटी अंदर नहीं जाना, जो बड़े एक दो काम है पंचायत के वो प्रस्ताव में पारित करो मेरे पास लेके आओ ताकि हम उसका काम जो है कार्यान्वित करें, और जो छोटे छोटे काम है कोई पर्सनल काम है कोई खंभा है बिजली है मीटर है नलका है से तो होंगे रहने पर कोई एक दो मोटे काम जड़ी सोचते पंचायत अंदर जरा फर्क पाई सकते लोगों को जिस करे परेशानी है, हालांकि बनौता जड़ा है से सड़क करने पूरा लेता है। हाँ जी ठीक बोलते ठीक बोलते, मैं एक गल बोलता जड़ा हमारा हॉस्पिटल मेरी गल सुनो मैं सच्ची गल बोले करता मेरी गल सुनो मैं करना मुझे थोड़ा समय दे मैं तुम्हारी बिल्कुल हर सब सेंटर अंदर ये हाल है तुम्हारा ही नहीं हर बिल्कुल 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 मेरी गल सुनो पिछले 1980 के दशक के बाद जड़ी भी फीमेल हेल्थ वर्कर दाइयां जड़ी रिटायर हुई उनेरी जड़ी रिप्लेसमेंट है से आज तक कभी नहीं आई। अबे एक सरकारी तंत्र है असी कोशिश करनी है कि जड़े डॉक्टर हैं इसे री भर्तियां हों डॉक्टर बदन दाइयां भी नौई के जो इसके लिए एक तो रोजगार भी मिलता अपने लोगों जो नौकरी भी मिलती इसे दो फायदे होंगे एक रोजगार भी बता करे जड़े खाली पे थे हमारे सब सेंटर हैं हमारे स्कूलों की भी यही हाल है जितने हमारे प्राइमरी स्कूल हैं JBT की भर्ती ही नहीं हुई कोर्ट अंदर स्टे थी लगे थे पता नहीं क्या होया ते बड़े टाइम का जड़े टीचर नहीं इन स्कूल अंदर ते टीचर जे मैं स्कूल अंदर भेजता तो एक स्कूल जड़ा चलता उसका चुकता तो दूजे स्कूल अंदर भेजी देता तो जमा घटा अंदर तो फिर उन्हीं रोना शुरू करी देना ये जो कि पूरे नहीं इस जो इस व्यवस्था जो ठीक होने जो थोड़ा टाइम लगना। अब ये सरकार आई है मुख्यमंत्री जी ने शपथ लेती है उप मुख्यमंत्री जी ने शपथ लेती है
अजय कैबिनेट हमारी बनी नहीं है, तो सर जो थोड़ा समझदार बुना मार जो, मैं ये टलाका मारी जा अज इतेगा फिर तुसी, मैं तुसे जो दो महीने तीन महीने मिलना नहीं फिर तुसी आए कि मुझे यही गल बोलनी, ये जो थोड़ा समझना तुसी जड़ा ये डिमांड रखी है सब सेंटर वाली, ये मुझे लिखित अंदर दे दो, मैं सीएमओ का गल करता, जे हमारे का कोई डॉक्टर की अवेलेबिलिटी हुई तो मैं भेजी देता, ठीक है, मनाई नहीं है, मैं तो चाहता हर हेल्थ सब सेंटर जो है, हर हेल्थ सब सेंटर जितने का हमारे जो वोट नहीं भी पे इतने का तो पे ना, जितने का नहीं भी पे उतने भी होने चाहिए सर, सब सेंटर छोड़ो पीएचसी का डॉक्टर नहीं है, हां पीएचसी मैं पीएचसी का डॉक्टर नहीं देते हमारे, मैं वही तो बोले करता है, तू सब सेंटर की गल कर रहे, मैं बोलता चंबे मेडिकल कॉलेज अंदर डॉक्टर नहीं है, कल मैं मेडिकल कॉलेज गया थिया तो एक केस आई गया डिलीवरी का से टांडा थिया रेफर करे कर दे, तो मैं उसे पूछा तो बोलिया जी गायनेकोलॉजिस्ट हमारे का दो है, जड़ी सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट है वो छुट्टी है गई थी, तो जड़ी जूनियर गायनेकोलॉजिस्ट है नंबर टू दी उसका असी पूछना है, जे तो सिजेरियन होया तो टांडा भेजना पौना, जे नॉर्मल डिलीवरी है मैं कि जबरदस्ती बोली देना डॉक्टर जो कि सिजेरियन अंदर से नहीं उस जो लगता कि मैं नहीं करी सकती, तो मैं कुछ की जान थोड़ी कोई देनी बच्चे की, तो फिर मैं उसी हिसाब करे, तो इस तंत्र जो सुधरने जो बड़ा ये बड़ा मुश्किल काम है, इस ये चैलेंजिंग काम है, ये मेरे वास्ते चैलेंज है, पिछले पांच साल अंदर भाजपा की विधायक सरकार थी, चार विधायक चंबे का चुनी के आए कुछ नहीं होया, मेरे ऊपर बड़ा भार है इस चीज का कि मैं इस तंत्र जो किया ठीक करना, अरे तो मैं शिमला गया ही नहीं, मुझे थोड़ा समय दो, मैं जिन्नी कर मेरे अंदर ताकत है जिन्नी कर कि जो कि छोटी मोटी चीजा अलग चीज है, पर ये हस्पताल हो गए स्कूल हो गए ये चीजा हैं जड़े हर आदमी जो जरूरत होंगी, हस्पताल की जरूरत हर आदमी जो है, पहले मैं बोलता कम से कम चंबे तक कुछ ठीक हो जाए, उतना ही बड़ा माड़ा हाल है जे, तो यह मुझे थोड़ा जो समय दो, सब सेंटर की भी सुनो मेरी गल, सब सेंटर का भी मुझे लिखी के दो, इसे पीएचसी का भी मुझे लिखी के दो, मैं करता हूँ गल, ताले खुल जाएंगे आप चिंता मत करो, आप अच्छा मुझे नहीं पता इस चीज का ताला लगेगा, जब तुम सब सेंटर की गल करे कर दे पीएचसी की गल करे कर दे, ये गल करे कर दे सब सेंटर की, तुम गल करे कर दे जड़ी पीएचसी है, अच्छा ये ठीक है ठीक है ठीक है, सब सेंटर ताला लगे ताला लगा हुआ है, पीएचसी अंदर भी ताला है सब सेंटर अंदर भी ताला है, पीएचसी खुली है डॉक्टर नहीं है, आया गया डॉक्टर सर उस अंदर ताला है लगे डॉक्टर डेल लिया दे सर, मुझे कम से कम छह महीने का मुझे समय चाहिए, तुम पांच साल कड़ी रखे ना छह महीने अठ महीने का मुझे समय दो, तंत्र है पूरा ये करना पूरा जरा ना तरीके करे, मैं भी समझे करता है अजय, हाँ ठीक है ठीक है ठीक करके जो हमारी प्रायोरिटी है जो हमारी कठिनाई है उसकी एक लिस्ट बनाकर विधायक साहब को दे देंगे, और प्रायोरिटी पर आप ही प्रायोरिटी लिस्ट जिन रहो, हमने आपको जो है जो भी वादे किए हैं हमारे विधायक जो है इतने परफेक्ट है कि वो सारे हमारी जो मुसीबतें उनको हल करेंगे, धन्यवाद। एक कुपाड़ी रोड से टिक्कर रोड जड़ी है वो तीन महीने अंदर असी पजाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, ऊपर वाली जड़ी है जड़ी जितने जेसीबी लाने बोले ठीक है, कोई गल नहीं देख लेंगे यार, कोई गल नहीं, बाकी आशीर्वाद भाई बड़े ही रखना, टाइम भी थोड़ा जहा दाड़ा ठीक है, नहीं क्लासिक लूसी तुम मत छोड़ो सही कोई गल नहीं है, पर मैं ये बोलता कि बस मौका दाड़ा कुछ सुधार करने का बड़ी कोशिश है सोचे करता है पूरी, मैं आंदे ही पहला काम जड़ा मैं कितने मैं एडमिनिस्ट्रेशन की मीटिंग लेती उस करने मुझे बड़ा ज्ञान ज्ञान नहीं चाहिए था, तो हमारे आदरणीय पूर्व विधायक इस गल पर भी मैं उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी बोले मीटिंग किया करी लेती आए तो बोले विधायक की ओथ नहीं हुई, मैंने इस अंदर क्या बुराई है, वो विधायक बनने का पहले ना अभी काम शुरू करी देते हैं, संतों की बुराई थोड़ी है ये तो अच्छी गल है, अरे मेरे का पांच सात दिन इनता मैं पंचायत अंदर मैं लिया
घरे लोग आए करते हैं तो मैं ही उन्होंने पूछी जाता, वो ज्यादा बेहतर नहीं है? तो काम आप पहले शुरू करना ज्यादा अच्छा है कि बाद अंदर करना? तो कोई गल नहीं, खैर अपना अपना होंदा हर चीज का सिस्टम, असं क्या बोलना। पर मैं बोलना चाहता कि असी बड़ी अच्छी सोच लेके आए, जिन्होंने वोट पाए उन्हेरे काम तो करने ही करने हैं, जिन्होंने नहीं भी पाए उन्हेरे भी करने हैं, ऐसा कुछ नहीं। मेरा सोचन कि असी बीजेपी वाले हैं तो गाले कटी दाड़े होने रहे, जी हाँ हमारे ने कटाए थी है पहले, असी से काम नहीं करना सर, 15 साल कांग्रेस। और मैं एक और चीज़ बोलना चाहता कि जिन लोगों ने हमारे साथ दिन रात काम किया उन लोगों की पहल तो बनती है ना, पहल उन लोगों की रहती है, पर ऐसा नहीं होता कि जिन लोगों ने वोट नहीं दिए उन लोगों का हम वैसे ही उन लोगों को छांट छांट के उनको पिक एंड चूज करके उनका काम खराब करते रहे, ऐसे पिछली सरकार में हुआ है, लेकिन हम ऐसा काम नहीं करेंगे। हम लोग जो है अच्छी नीयत के साथ राजनीति के अंदर आए हैं, अच्छी सोच के साथ आए हैं, और हर आदमी चाहे भाजपा का है चाहे कांग्रेस का है, जिसको जरूरत है, जरूरतमंद की जरूरत जो है वो पूरी होना जो है बहुत जरूरी है, तभी आगे का कारवा जो है वो बढ़ेगा। लड़ाई हमारी हो गई, एक जीत गया एक हार गया, उसके बाद मिट्टी डालो इन चीजों पर, सबको साथ लेके चलना है। प्राथमिकता ही जरूर रहेगी, जिन लोगों ने साथ दिया है वो प्राथमिकता में रहेंगे, इतना जरूर होता है, पर ऐसा नहीं होता कि जिसने वोट नहीं डाले है उसका बेड़ा ही गर्क कर दे रहा है। ठीक है, ऐसी सोच के साथ हम आए नहीं है। मैंने पहले भी वोट मांगते वक्त एक चीज बोली है, मेरे लिए कोई बीजेपी कांग्रेस कोई चीज नहीं है, गरीब आदमी की कोई पार्टी नहीं होती है, गरीब आदमी का जो काम करता है वही उसकी पार्टी बनती है, मैंने यही चीज बोली है, और आगे भी मैं इसी असूल पर जो है मैं चलूंगा। आप सब लोगों का शॉर्ट नोटिस पर ग्रौता के जो हमारे वर्कर है, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, शॉर्ट टाइम में आप लोग यहाँ एकत्रित हुए, और ये तो अभी धन्यवाद की मीटिंग है, इसके बाद तो मैंने आते जाते रहना है, वार्ड वाइज मीटिंग है, जैसे ही मैं चंबा आऊंगा मुझे समय मिलेगा मैं मीटिंगें करता रहूंगा, और मैं चाहता हूँ आशा करता हूँ जैसे जरियाल जी ने बोला है, फौजी जी ने भी बोला है, और हमारे जितने भी सीनियर लोग हैं यहाँ सबने बोला है कि प्रायोरिटी लिस्ट आप बना दो, सबसे पहले जरूरी काम नंबर एक पे, दूसरा नंबर दो पे, तीसरा नंबर तीन पे, जो जरूरी है वो बना दो, और प्रस्ताव जो है लिख दो, और प्रस्ताव के अंदर ही अलग अलग बनाने प्रस्ताव, ये जो हेल्थ वाला प्रस्ताव है इसके अंदर ब्रौता पंचायत से दोनों लिख देना, जो सब सेंटर है वो कब से ताला लगा, बिल्कुल जो चीज आप लिखोगे, अभी सुन रहे हैं, जो चीज आप लिखोगे वो बिल्कुल सच होनी चाहिए, बस मतलब जब से बंद हुआ है तब से बताना है कि कब से बंद हुआ है, कब बीच में डॉक्टर आए नहीं आए, बिल्कुल सही तरीके से लिख देना, ताकि उसका जो है निवारण जो है हम उस हिसाब से जो है कर सके। सड़कों वाला प्रस्ताव अलग लिखना, IPH का अलग लिखना, PWD का अलग लिखना, बिजली बोर्ड का अलग लिखना, जो भी है, ताकि कागज जो है उस तरीके से हम अलग अलग डिपार्टमेंट्स को जो है। मैं आपको एक चीज बोलना चाहता हूँ कि मैं महीने के अंदर या दो महीने के अंदर एक या दो दिन चंबा शहर के अंदर सर्किट हाउस में रखूंगा, जिसके अंदर सारे जो सरकारी कर्मचारी हैं वहाँ मौजूद होंगे, और मैं ऐसा करूँगा कि बूंजा पंचायतें हैं तो बूंजा पंचायतों को जैसे एक दिन के अंदर हम 5 पंचायतें डील करेंगे या 10 पंचायतें जो है वो डील करेंगे, जो आपके प्रस्ताव होंगे वहाँ XCN सारे बैठे होंगे, SDOs बैठे होंगे, JEs बैठे होंगे। पहले मैं सोच रहा था कि मैं पंचायतों में लेके जाऊंगा, लेकिन अब मैं सोचता हूँ क्योंकि आप प्रस्ताव लेके आएंगे तो चंबा सर्किट हाउस में बारी बारी, जैसे एक दिन 10 पंचायत वाले आ गए, अगले दिन 10 पंचायत वाले और आ गए, इस तरीके से ताकि आपके कागज जो है वो सरकारी तंत्र तक पहुंच जाए, फिर एक आदमियों की हम वहाँ ड्यूटी लगाएंगे कि उसके ऊपर क्या एक्शन हो रहा है, एक महीना दो महीने में वो फाइलें कहाँ तक पहुंची, एक तरीका होगा काम करने का, वो तरीका जो है मैं अभी सोच रहा हूँ, मन के अंदर अभी फाइनलाइज नहीं किया है। अभी देखो, जिस दिन मैं विधायक बन के आया, जिस दिन मैं चंबा पहुंचा, अगले दिन जो है मैंने जो है डिप्टी कमिश्नर साहब को फोन किया, और मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि डी साहब मुझे बताओ कि पिछले 5 सालों में अब क्या
हालत है, कहाँ क्या हो रहा है, किधर पैसा पड़ा है, कहाँ नहीं पड़ा है। और बड़ी अच्छी मीटिंग, कामयाब मीटिंग हमारी जो है सरकारी तंत्र के साथ हुई। और मुझे ऐसा, और मैंने डी साहब को बोला कि ये जो मीटिंग है हर 3 महीने बाद की जाएगी, जो इस मीटिंग के अंदर मैंने बातें रखी हैं वो अगले 3 महीने वाली मीटिंग के अंदर हम उसको रिव्यू करेंगे। 12 महीने होते हैं साल में, 4 ऐसी मीटिंग्स होंगी साल के अंदर, 20 मीटिंगें 5 साल के अंदर हम करेंगे, और उसके अंदर जो चीजें हैं रिव्यू करते रहेंगे। पिछली मीटिंग के मिनट्स लिखे जाते हैं, अगली मीटिंग में वो फॉरवर्ड होंगे। तो हम एक तरीके से जो है सिस्टम को बनाएंगे और सिस्टमेटिकली काम करेंगे। ऐसा काम करने का कोई फायदा नहीं है कि मैं प्रेस लेके चंबा हॉस्पिटल चला जाऊं और वहां हल्ला गुल्ला करूं, वहां जी क्या हुआ, डॉक्टर क्यों नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। हर काम करने का एक तरीका है, सिस्टम से काम करेंगे तो कामयाबी मिलेगी। दिखावा करने के लिए काम करेंगे तो सिर्फ टीआरपी बढ़ेगी, लोग खुश होंगे कि हमारे विधायक ने हमारे लिए जो है सरकारी अफसरों को गाली निकाली, पर काम कुछ नहीं होगा जो पिछले 5 वर्षों के अंदर हुआ है। तो हमें काम से मतलब है, हमें आम खाने से मतलब होना चाहिए, पेड़ गिनने से नहीं होना चाहिए। तो सिस्टमेटिकली काम करेंगे और रिजल्ट ओरिएंटेड काम करने की कोशिश करेंगे। बाकी ऐसी सोच लेके आया हूं, भगवान करे जो मैं सोच रहा हूं वो सब हो जाए, भगवान करे कि अगली बार 5 के बीच में आ सकूं, सर झुका के ना आना पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद इन शब्दों के लिए, धन्यवाद। और मैं एक और चीज बोलना चाहता हूँ कि इस इलेक्शन के अंदर मेरे परिवार ने मेरे साथ कैंपेनिंग की, किसी जगह मैं नहीं जा सका तो मेरी धर्मपत्नी गई, किसी जगह मेरे बेटे ने की, किसी जगह मेरी बेटी ने की, तो मैंने बोला पूरा परिवार ही मेरे साथ चलेगा धन्यवाद करने के लिए, क्योंकि आप लोगों ने जिताया है तो मेरा पूरा परिवार जो है आप लोगों का ऋणी है। इसीलिए इस जो हम ये धन्यवाद करने के लिए आपके बीच में आए हैं, ये है इसके अंदर मैं परिवार को भी साथ लेके आया हूँ। कल से मेरा बेटा नहीं आ पाएगा, उसके स्कूल शुरू हो जाएंगे, पर बाकी 3 हम जो है वो आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, धन्यवाद। आपके लिए जो करने जा रहे हैं अभी मैं बोलना नहीं चाहता, जी जी सुनो, ठीक है, सही बात है। 1 साल का टाइम दो, कोई बात नहीं, सर लगेगा सेफ इतने ही मिल रहे, क्या बात। और मैं चाहता हूँ जीवित रहे और आगे, जब लोग चंबा आए तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर चंबा के साथ कांदू के पकौड़ों का नाम भी जुड़े, ठीक है। हाँ सुनो, ठीक है, एक इंडिपेंडेंट फोटो आओ, पार्किंग भी सुनो, पार्किंग भी बनाएंगे और 5-7 चीजें और जो आपके सेब सूप हीरे बेचते हैं जी, 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 इनके लिए अलग से मैं बोला है ना, जब ये वाइटनिंग का काम हो रहा है मैंने यहाँ से नीचे से दिखा लगा रहा हूँ इसको इस तरफ। ठीक ठाक जी, वेलकम जी, प्रणाम। ठीक ठाक जी।
करके फिर अपन हां जी अनिल जी ठीक है वो भी कर सकते थे ऊपर से भी कर सकते श्री नीर नैयर जी मिसी नैयर इनके साथ आए हुए प्रधान उप प्रधान साहबान व ये इस पंचायत के मेरे नौजवान साथियों माताओं बहनों और बुजुर्गों आज हमारे लिए बहुत ही खुशी का दिन है कि आप सब लोगों ने भारी मेहनत करके दिन रात एक करके हमारे भाई नीरज नैयर जी को चंबा से विजयी बनाया है। इसके लिए आप सबको मैं हृदय से अपनी ओर से नीरज भाई की ओर से नीरज नैयर की ओर से आपका बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। समय का अभाव होने के कारण मैं नीरज भाई से निवेदन करता हूँ कि वो जनता का जो है वो स्वागत करें धन्यवाद करें श्री नीर नैयर जी। दरड्डा पंचायत का मेरे जिन्ने भी हमारे वर्कर इन अज इत्थे इकट्ठे होए दे मैं सारे दा धन्यवाद करना चाहता। इस बारी तुसें जो पता है कि इलेक्शन किदे ही थी बड़े नई नई चीज़ें इलेक्शन अंदर हुई हैं जड़ी असी कभी सोची नहीं कभी दिखी नहीं ना समझी। तो दरड्डा पंचायत का इस बारी बड़ा अच्छा रिजल्ट रहा बड़े टाइम बाद और खासकर अपना ये जड़ा नुक्कर वाला नगोई वाला इलाका है नगोई बूथ जड़ा थी है बहुत ही बढ़िया लीड नगोई बूथ का आई। दरड्डा भी असी बड़े भारी इंप्रूवमेंट की पिछली बारी का तो मैं इन्ना फर्क जड़ा है इतने पूरा हालांकि जहाँ पहला राउंड होया तो असी 17 वोट डाउन थी है तो मैं इसका पिछले बार का पहले राउंड का रिजल्ट दिया देखे करता तो असी तकरीबन कोई 900 वोट डाउन थी है। इस बारी पहले राउंड अंदर खाली 1700 वोट डाउन थी है दूसरे राउंड अंदर 500 वोट डाउन थी है तो मैं पहले ही समझ गया कि यह गेम जी है क्लियर होगी क्योंकि ये जड़े हमारे 3 राउंड होते हैं इस अंदर जड़ा है हमारे जो तकरीबन जड़ा है पता लग जाता कि गड्डी कुछ है चली गड्डी ऐसे ना मैं आभार जड़ा है ये जड़ी जीत है ये मेरी जीत नहीं है ये जीत जड़ी है तुसा मका की जीत है तुसा मका ने काम किते है ता जाई कि मैं जीते है जे तुसी लोग नहीं होंगे कुछ का बननी थी गल 15 साल का कांग्रेस पार्टी का जड़ा एक अकाल दिया बेद है चंबे कॉन्स्टिट्यूएंसी अंदर से हमें मुकी गया ते अच्छी गल ये हुई कि विधायक भी जड़ा है चंबे कॉन्स्टिट्यूएंसी अंदर कांग्रेस का जीतिया सरकार तो अपनी आनी थी जेदा मार्जिन पता ही थिया तो विधायक जड़ा है बड़ी बड़ी गल है 15 साल एक बड़ा फटा हादसा हुंदा 15 साल अंदर तो पार्टी के वर्करां दे ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਚਟਾਨ ਸਹੀ ਅੱਛੇ ਬੁਰੇ ਪੈ ਮੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆਵੇ ਮੈਂ ਤੁਸਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦਰਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੀ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਸ਼ਪਤਾ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਸ਼ਿਮਲੇ ਚਲੀ ਜਾਣਾ ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿਅਸਤ ਲਾਗੂ ਆਈ ਕਿ ਹਰ ਪੰਚਾਇਤ ਅੰਦਰ ਜਾਈ ਕੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਨੇਹ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜ ਸਕਿਆ ਮੇਰੇ ਕਿ ਪਰਸੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਆਇਆ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣੀ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਜਾਣੇਗਾ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਚਾਇਤ ਅੰਦਰ ਉਹ ਨਾ ਫਸਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੁਹਾਰੇ ਘਰ ਦਵਾਰ ਆਇਆ ਆਪੋ ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣੇ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈਣੇ ਵਾਲੇ ਦੀ
जरा वोट लाने वाला होता से वोट लाने वाले का ऊपर होता। गल यह है मैं चाहता आने वाले वक्त अंदर जरा 15 साल अंदर चंबे हमारा चंबे का मेडिकल कॉलेज की समस्या है वो मेरे शहर अंदर टॉप अंदर है। मैं उसे कोशिश कर लिए कुछ हल निकले। बाकी छोटी छोटी समस्याएं तो बहुत है। आपका यहाँ नीचे उजाड़ पल्ला है वहाँ सड़क की दिक्कत है वहाँ खंभों के तारों की दिक्कत है। ऐसे दिक्कतें तो इतनी है कि अगर गिनती में करने लगे तो सवेरे से लेकर शाम हो जाएगी। लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज बोलना चाहता हूँ मोटे एक दो काम जो पंचायत के है वो आप लोग आइडेंटिफाई करें। बाकी छोटे काम तो चलते रहे बिजली के खंभे ट्रांसफार्मर तारे ये तो छोटे काम है ये तो चलते रहेंगे ये तो कभी खत्म नहीं होते ये चलते रहते हैं। और मोटे काम है किया इतने कोई बोलता नमड़ीके वाले से सड़क भंगे करने में जो कोई बोलता दिया जड़े मोटे एक दो काम से दसो चाहे पानी की कोई समस्या है मोटे काम एक दो दस दियो ताकि उस पर असी फोकस करी दीजिए। अगले आने वाले 5 साल तक जड़ा है ऐसे काम क्लियर भी हो जाए कुछ जड़ा है अगली बारी जहाँ इतने 5 साल बाद वोट मांगने जो आना हमारे को कुछ होना चाहिए तो बोलने वास्ते कि भाई नहीं असी तुसी मार जो वोट पाया था असी भी तुम्हारे वास्ते ये कितने। बाकी छोटे मोटे काम तो चल ही रहते उस अंदर ज्यादा पुणे की जरूरत नहीं है। मैं बस एक चीज तुम्हारे जो बोलना चाहता कि आज धन्यवाद यात्रा करे करते है मैं गुंजा पंचायत है इस वास्ते सड़क ही जाए करते एक पंचायत अंदर जिया मैं भूलिया थे एक जगह दिखी रहे हो यानी सड़क पर ही वही चलना न पे ज्यादा क्योंकि अजय चील बंगला जाना है ओलड़ी जाना है और कौन पंचायत है आज पजो जाना है चील बंगला जाना है तो इस वास्ते टाइम कम है। मैं चाहता कि 9 दिन अंदर गुंजा पंचायत का कम से कम मैं धन्यवाद मारिया लोका जो एक मैसेज जाता इतने का तुम्हारे व्हाट्सएप ग्रुप इन बने थे फोटो व्हाट्सएप ग्रुप अंदर पाओ मुझे पक्का है कि अतः का ज्यादा लोका जो पता ही नहीं होना कि मैं इतने धन्यवाद करने वास्ते आए करता ठीक है नहीं पता होना है तुसा लोका ने अभी आगे करना है कि आए थी अभी जड़ी पूजी गए इससे बड़ा बड़ा धन्यवाद नहीं पूजे उन्हेरा भी बड़ा बड़ा धन्यवाद करे। मैं एक चीज बोलना चाहता कि ऐसी काम करने वास्ते आए जिताया है काम करने वास्ते जिन्होंने वोट पाए उन्हें काम तो करने ही करने जिन्होंने नहीं पाए उन्हें भी करने। मैं पहले भी एक चीज बोली थी राजनीति अंदर जड़ा गरीब आदमी होता गरीब आदमी की कोई पार्टी नहीं होती जड़ा गरीब आदमी का काम करता वही उसेरी पार्टी बनती डाउन हुई उसेरी कोई पार्टी नहीं होती जड़ा आदमी उसेरा काम करता वही उसेरी पार्टी बन जाती ता पक्षपात जड़ा ऐसी कोई ज्यादा करना नहीं है। हाँ ये जरूर है जिन्हें लोगों ने हमारा साथ दिया जड़े दिन रात हमारे वास्ते खड़े रहे वो तो प्राथमिकता तो अनेरी होती होती है पर यह नहीं होता जी पिछली बारी भाजपा वाले ने कितिया कि कांग्रेसी के गले कटी दो कांग्रेसी इतना फाइल आई दो से काम असी नहीं करना असी भिन्न तरीके करके काम करना है सारे ने मिली जुली के इलाके की असी तरक्की करनी है। बाकी सारे वर्कर जड़े इतने इकट्ठे हुए थे सारे का बहुत बहुत धन्यवाद तहे दिल करें सारे का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिमाचल जय चंबा ते जय दरड्डा धन्यवाद। एक मिनट भाई सामने दोनों मैम खड़े हो भैया भाई साहब हेलो हेलो नीरज नैयर जिंदाबाद 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 कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद नीरज नैयर जिंदाबाद नीरज नैयर जिंदाबाद।
जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। नीरज नैयर जिंदाबाद। नीरज नैयर जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। नीरज नैयर। नीरज नैयर जिंदाबाद। नीरज नैयर जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। नीरज नैयर जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो? नीरज भाई जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो? नीरज भाई जैसा हो। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। नीरज नैयर जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। नीरज भाई जैसा हो। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो? नीरज भाई जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो? नीरज भाई जैसा हो। नीरज भाई को जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। नीरज भाई को जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। नीरज भाई जिंदाबाद। नीरज भाई जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। जनाब मिंदर जी कुछ ना। हाँ जी हाँ जी आइए सर। श्रीमान जी आपका हमारे गांव में प्रधानने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अपने गांव के जानी मानी हस्ती पूर्व प्रधान श्री महेंद्र कुमार जी से निवेदन करता हूं कि वो माननीय महोदय को बैच व टोपी से सम्मानित करें। अब मैं प्रधान श्रीमती रक्षा देवी जी से निवेदन करता हूं कि वो नीरज नैयर भारती नैयर जी को शॉल लगा के सम्मानित करें। तो बहुत बढ़िया बोला था, मैंने सुना था। अब श्री करतार जी से निवेदन है कि वो श्री सुदर्शन ठाकुर जी को भैया मिंदर जी टोपियां शॉल है तो कोई सरकारी प्रोग्राम थोड़ी है कोई। ये अपना मैं मेरी गल सुने, मैं तो धन्यवाद करने वास्ते सरकारी करना पैना पहनाई दियो। अब मैं ले अब मैं श्री नवीन कुमार जो हमारे पंचायत के उप प्रधान हैं निवेदन करता हूं कि वो बैच लगा कर बैच लगा के सम्मान इधर देखो खाली
ਨਾ ਨਾ ਆਈ अब मैं मेंबर श्री पवन कुमार जी से निवेदन करता हूं कि वो ललित कुमार भूषण जी को बैच लगा के सम्मानित करें। अब मैं ज्यादा ना कहते हुए श्रीमती रक्षा देवी जी से निवेदन करता हूं कि वो अपनी तरफ से और अपनी पंचायत की तरफ से चार शब्द बोलें। धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं चंबा सदर विधायक श्री नीरज नैया जी, मैडम श्रीमती नीरज भारती जी, सुदर्शन ठाकुर जी एवं समस्त गणमान्य व्यक्ति का हार्दिक स्वागत करती हूं तथा साथ ही आप सभी का जो है तह दिल से धन्यवाद देना चाहती हूं कि आज आपने हमारी पंचायत के लिए बहुमूल्य कीमती समय निकाला। सबसे पहले मैं मानवेर महोदय जी के लिए दो शब्द कहना चाहती हूं। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। अतः मैं बहुत ही गर्व महसूस करती हूं कि मुझे अपने कार्यकाल में एक योग्य, ईमानदार और विश्वासधारी नेता मिला है। मानवेय महोदय से मैं यही चाहती हूँ, मैं मानवेय महोदय जी से यही चाहती हूँ कि जिस तरह आपका विश्वास हम पर बना हुआ है, उसी तरह मेरी जनता का विश्वास भी आप पर उसी तरह बना रहे। इसी के साथ मैं अपनी समस्त जनता का हाथ जोड़कर तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने हमें समय समय पर पूरा सहयोग दिया। अतः मैं यही उम्मीद रखती हूँ कि आने वाले समय में भी आप हमें हमेशा इसी तरह अपना सहयोग बनाए रखें। जैसे कि माननीय महोदय जी, हम सभी जानते हैं कि पंचो एक पिछड़े वर्ग में गिना जाता है। यहाँ पर एक छोटी बड़ी बहुत सी समस्याएं हैं। माननीय महोदय जी, हम इस बात को भली भांति मानते हैं कि सभी समस्याओं का हल आपके हाथ में है, परंतु देखिए किसी भी कार्य करने के लिए समय लगता है। अभी महोदय जी को मात्र 18 दिन हुए हैं और किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए समय लगता है। मानमेर महोदय, हम चाहते हैं कि थोड़े समय के पश्चात हमारी जो भी समस्याएं हैं हम आपके समक्ष रखेंगे और मुझे पूर्ण विश्वास है महोदय जी हमारी समस्याओं का समाधान करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। तो इसी के साथ जो है मैं अपनी वाणी को यहीं पे पूर्ण विराम देना चाहती हूँ। धन्यवाद। तो मैं अपने पंजो की प्रबुद्ध जनता, मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरे बुजुर्ग, मेरे यूथ के साथी, मेरे यहाँ से हमारे प्रधान, हमारे एक्स प्रधान और सारे जितने भी लोग आज इस सभा में जिन्होंने शिरकत की है, मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ। आज का ये जो मीटिंग करना है, मैंने आपका धन्यवाद करना है। ओ भैया, तुसी मिंजो वोट पाए, मिंजो जिताया, पंजो अंदर था वोट कुते पूंदे दिए कांग्रेस जो, तुसी चमत्कार कित्या। गल सुनो, तो धन्यवाद मेरा थोड़ी करना, तुसी मैं तो धन्यवाद करने जो मैं आए था। गल ये है कि इस बारी 15 साल का तुसे जो पता है चंबे अंदर भाजपा का विधायक ही है जीते करता। चलो जो भी कारण रहे हो, हमारे जो उस अंदर असी क्या करना, पर इस बारी कि मैं भी जीती गया, सरकार भी कांग्रेस पार्टी दी आएगी, इस जो बोलते हैं सोने पर सुहागा हो गया, ठीक है ना। प्रभु ने बड़ी कृपा रखी, तुसा लोगों ने बड़ा सहयोग कित्या, बड़ा अच्छा लगे करता है। और खासकर पंजो तो मैं बोलता जी चमत्कार होया, चाहे चमड़ोली है, चाहे उपरला हिस्सा है, पंजो है, बड़े अच्छे वोट पे। मैं आप लोगों को एक पक्की बात यहां से बोल के जाता हूं, मुझे कोई 2-2.5 महीने लगेंगे प्रॉपर तरीके से सेटल होने के लिए, पर आज का जड़ा प्रोग्राम है वो तुसा का धन्यवाद करने वास्ते, ना कि मेरा। ये तो पता नहीं मिंदर ने कोई टोपियां, कोई ये कोई वो, इसे जरूरत नहीं थी। मैं आयदा है तुसा दे बिच विधायक बने हैं, मैंने मेरे दिमाग अंदर ये चीज आई, मैंने क्या काम करिए जड़ा उनका अलग होए। तो मेरे दिमाग अंदर एक चीज आई, मेरे का 8-9 दिन थी अजय,
ਓਥ ਲੈਣੇ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ 31 ਮਾਰਚ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਵਿਧਾਇਕੀ ਦੀ ਓਥ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਿਆ ਆਵੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਟਾਈਮ ਹੈ ਘਰੇ ਲੋਕ ਆਏ ਕਰਦੇ ਮਿਲਣੇ ਮਿਲਣੇ ਵਾਸਤੇ ਆਵੇ ਮੈਂ ਲਿਆ ਘਰੇ ਲੋਕ ਆਏ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਤੁਸਾਂ ਕਾ ਚਲੀ ਜਾ ਮਿਲਣੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ 7 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਥੱਲੇ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਉਦੈਪੁਰ ਗਏ ਉਦੈਪੁਰ ਕਾ ਬਨੌਤੇ ਗਏ ਬਨੌਤੇ ਕਾ ਦਰਡੇ ਗਏ ਦਰਡੇ ਕਾ ਵੇ ਪੰਜੋ ਗਏ ਪੰਜੋ ਕਾ ਚੀਲ ਬੰਗਲਾ ਜਾਣਾ ਚੀਲ ਬੰਗਲਾ ਕਾ ਕੋਲੜੀ ਜਾਣਾ ਕੋਲੜੀ ਕਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਿੰਜੋ ਵੋਟ ਪਾਏ ਮਿੰਜੋ ਜਿਤਾਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਏ ਜਿਤਾਇਆ ਸੇ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੀ ਵੀ ਪਾਏ ਉਹਨਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਦੇਈ ਦਿਲਾਂ ਕਨੇ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਪਾਏ ਦੇਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਣਾ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ ਠੀਕ ਕੰਮ ਕਰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਆਪੂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕਿਆ ਬੋਲਣਾ ਮੂੰਹ ਕਨੇ ਬੋਲੀ ਕੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਦੀ ਛੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਛੂ ਮੰਤਰ ਬੋਲਣਾ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਹਰ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬੋਲਣਾ ਪਰ ਤੁਸਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਫਰਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਕੰਮ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੱਕ ਤੁਸਾਂ ਜੋ ਫਰਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਫਰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕਨੇ ਪੰਜੋ ਨੇ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਜਾਂ ਗਿਣਤੀ ਸੀ ਚਲੇ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾ ਰਾਊਂਡ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ 900 ਵੋਟ ਡਾਊਨ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾ ਰਾਊਂਡ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ 17 ਵੋਟ ਡਾਊਨ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਰਾ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੁਸਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਰਾਊਂਡ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮਿੰਜੋ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕੋਈ 1500-1800 ਡਾਊਨ ਤਾਂ ਮੈਂ 500 ਡਾਊਨ ਸੀ ਤਾਂ ਤੀਜੇ ਰਾਊਂਡ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ 2800 ਡਾਊਨ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਪ ਹੋਈ ਗਿਆ ਤੀਜੇ ਰਾਊਂਡ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਅਪ ਹੋਈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਗਾ ਹੀ ਮੈਂ ਸਮਝੀ ਗਿਆ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦੂਜੇ ਰਾਊਂਡ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮੈਂ ਅੰਕਲਨ ਕਰੀ ਲਿੱਤੇ ਕਿ ਜੀਤ ਆਵੇ ਪੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜੀਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰੇ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸ਼ਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ਰੇ ਹੈ ਤੁਸਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਦੁਬਾਰੀ ਬਾਰੀ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੀ ਬਾਰੀ ਅਵੇ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਵੇ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੇਰੇ ਪਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਉਸ ਪਰ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ ਕਿ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਚੰਬਾ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਜੀ ਹੀ ਮੈਂ ਚੰਬੇ ਪੁੱਜਿਆ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਹਮਾਰੇ ਚੰਬੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਦਰਣੀਏ ਪੂਰਵ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੇ ਨਹੀਂ ਓਥ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਆਪੇ ਹੀ ਬੋਲਿਆ DC ਇਹ ਸਾਰੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਬਹਿ ਗਈ ਤਾਂ ਆਪੂ ਕੁਰਸੀ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਗਏ ਉਹ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਵਿਧਾਇਕ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਬਣੇ ਦੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀ ਦਿੱਤਿਆ ਇਸ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਮੈਂ ਓਥ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਸਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਗਿਆ ਮੈਂ ਸਾਰੇ DC ਕਹਿੰਦੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਗੱਲ ਸਮਝੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿਆ ਪੈਸਾ ਹੈ ਪੇ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਪੈਸਾ ਰੁਕੇ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਕਨੇ ਮਿਲੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪੂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈ ਜਾਣਾ ਔਰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਬੜੀ ਚੜੀ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਸਾਂ ਕਨੇ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਘੜੀ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਖੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸਾਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੁਹਾਰੇ ਕਾ ਸੜਕਾਂ ਜੋ ਪੈਸੇ ਚਾਹੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ DPR ਬਣਾ ਦੇ ਮੇਰੀ ਜੁੜੀ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ 5 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਟਕਰਾ ਥੋੜੀ ਮਾਰਨੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਅੰਦਰ ਮਿਲੀ ਜੁਲੀ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਸਫਲ ਮੀਟਿੰਗ ਰਹੀ ਹਮਾਰੀ ਮੈਂ ਆਦਰਣੀ ਪੂਰਵ ਵਿਧਾਇਕ ਜੀ ਜੋ ਇਹ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸਾਂ ਜੋ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਵਕਫਾ ਮਿਲਿਆ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰੀ ਸਕਦੇ ਸੀ ਉਹਨੇ ਮਨਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੀਤਾ ਦੀਆ ਪਰ ਇਹ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਕਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਢਲਾਕੇ ਹੀ ਹੋਣ ਮੈਂ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਬਣੀ ਕੇ ਆਇਆ ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਛੀ ਨੀਅਤ ਕਨੇ
अच्छे सोच करने मैं आया था और मुझे पक्का विश्वास है कि डेफिनेटली 4-5-6 महीने अंदर तो समझो तुम दिखना तुम्हारी पंचायत अंदर ही जड़े प्रधान हैं तुम्हारे मिंदर जी हैं ये छोटे छोटे जड़े तुम्हारे काम में कोई 2 लाख 3 लाख 5 लाख तुम देखना मैं क्या करता तुम जरा इंतजार करो थोड़े जे एक साल का तुम मुझे वक्फा दो तो समझो आपको पता लग जाना कि क्या फर्क है बाकी जितने तक नौकरियां की गल है से जरा मुश्किल काम है मैं पहले भी बोलिया थी नौकरियां लाना जरा मुश्किल काम है पर उस अंदर भी सरकार हमारी सरकार है इन्होंने बोलिया है कि असी 2 लाख नौकरियां जड़ी पहले साल अंदर कढ़नी है जे सरकार हमारी कांग्रेस की आई है नौकरियां कढ़ेंगी तो चंबे भी मिलनी सारे जो ये तो है नहीं तो बड़ा एक सुनहरी मौका हत्था लगे और मैं चाहता कि यह मौका भगवान ने मुझे दिते है तो मैं इसे पूरा भरपूर जड़ा जड़ा मेरा योगदान है मेरे इलाके वास्ते हो जाए मेरी ये कोशिश रहनी बाकी सारे काम तो भगवान ही करी सकता तो मैं भगवान है नहीं मैं इंसान है तो तुसा सारे का मुझे आशीर्वाद चाहता मेरे कने नाराजगी नहीं रखनी जे कोई कुछ का काम नहीं भी हों ते माफी करनी मुझे अगली बारी हो जाऊंगा दिल बड़ा रखना सोच छोटी सोचा अंदर नहीं जाना सारे ने और अगर कोई पंचायत की तरक्की का कोई काम होए करता है तो कोई चाहे बीजेपी वाला है कांग्रेस वाला है अपने इलाके वास्ते काम होए करता है अड़चन नहीं अड़ानी आपस अंदर कोई सड़क बननी है तो इसे उस अंदर कांग्रेसी ने भी चलना है तो भाजपा वाले ने भी चलना है स्कूल खोलना है तो भाजपा वाले ये नहीं होना चाहता कि रुकवाई दे ताकि कुछ कांग्रेस वाले की खोल कोई काम रोकया कभी नहीं रोकिया अरे हमारा भी टाइम आया है जो ऐसी कोई काम कर दे तो उससे सारे का ही फायदा है इलाके का फायदा होना चाहिए उस अंदर कोई बीजेपी कांग्रेस नहीं होती सारे जने ने मिली जुली के चुनाव किया हार जीत हो गई झगड़ा खत्म अरे सारे ने इकट्ठे मिली के चलना है एक एक चीज जरूर है जिन्होंने दिन रात साथ दिते का होता प्राथमिकता तो मेरी ਇੰਨਾ ਕਰਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਾਥ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਗੇਂਸਟ ਵੋਟ ਪਾਏ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਕੱਢੀ ਦੇ ਹੁੰਦੀ ਆਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਚੁਣੀ ਚੁਣੀ ਕੇ ਬਦਲੇ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਆਚਰਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਅੱਛਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ ਹਮਾਰੇ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜੀ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਯੂਥ ਦੇ ਸਾਥੀ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੇਰੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹੈ ਚਮੜੋਲੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਰਿਹਾ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਆਪੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਰੇਂਗੇ ਔਰ ਬਿਨਾ ਭੇਦਭਾਵ ਕੇ ਕਰੇਂਗੇ ये आपको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ और आज ये 9 दिन है मैंने 9 दिन के अंदर गुंजा पंचायतें जो है मैंने धन्यवाद करना है गुंजा पंचायतों में जाके मैं धन्यवाद करूंगा और इसीलिए मैं अपने परिवार को भी लेके आया हूँ धर्म पत्नी को भी लेके आया हूँ बेटे को भी लेके आया हूँ और बेटी को भी लेके आया हूँ क्योंकि इनको पता होना चाहिए कि इनके पिताजी इनके पति और बच्चों के पिता अगर कहीं पहुंचे हैं MLA बने हैं तो उनमें इतने सारे लोगों का जो है योगदान रहा है इसकी बारी आना है ना बारी बारी नहीं आई होना है बार बार पर मैं पहली बारी मिलिया मैं ले आना नतमस्तक हो के कि तुसी सारे लोगों ने आशीर्वाद दिया चलो एक नई शुरुआत कर दे चंबे मेडिकल कॉलेज की बड़ी बुरी हालत है उसेरा मैं कुछ ढांचा फिक्स करना मुझे लग रहा है 5-6 महीने अजय 8 महीने भी लगी सकते साल भी लगी सकता पर स्कीम मैं पूरी लाई दी है मैं पूरा सिस्टम तंत्र जो समझे करता है तो मैं कोशिश करनी है कि कुछ फर्क हमारे जो नजर आए ये ना हो कि कुसेरी डिलीवरी है तो नैयर जो मुझे फोन करना पे कि भाई इसे टांडा रेफर करे कर दे तो इस जो चंबे ही खरीदे हुए गरीब आदमी है हर आदमी का काम होना चाहिए चाहे बीजेपी कांग्रेस जो मर्जी है काम होना चाहिए अगर अगर डॉक्टर पूरे होंगे तो सबके लिए है बेकार हो जान कम से कम जरा रोजमर्रा का काम ऐसे ठीक ढंग करे चली पे तो नई सरकार आई है हमारे नए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखू जी बनी के आए हैं हमारे ऊर्जावान यंग डायनेमिक लीडर हैं उनेरी छत्र छाया अंदर चंबा जड़ा कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसेरा भी जड़ा है
अगे तरक्की होनी है। आपे आंदे ही अजे तक उन्होंने मुख्यमंत्री की ओथ ही लेती थी ते मुख्यमंत्री ते उप मुख्यमंत्री ने कांग्रेस लैजिस्लेटिव पार्टी की मीटिंग की। उस मीटिंग अंदर असी सारे MLA जो थी असी बिठोरे थे उत्ते ते सुखू जी ने बोलिया इस बारी 14 विधायक जड़े नौए चुनी के आए कांग्रेस दे और 14 विधायकों अंदर सारे जने विधायक थे या तो ग्रेजुएट थे या पोस्ट ग्रेजुएट थे, कोई डॉक्टर थे, कोई इंजीनियर थे, सारे पढ़े लिखे दे लोग मतलब आए नौए मुंडे जड़े आए। ठीक है, बड़ा अच्छा लग्या, मौका मिलया हमारे जो हमारे इलाके वास्ते काम करने वास्ते। तो मैं तो बोलता भगवान का एक आशीर्वाद है, 5 साल मिले अपनी पूरी जुगत लाई दी, बाकी भगवान हथे यार क्या होना इसे नहीं होना इसे मैं नहीं ज्यादा बोली सकता, पर नीयत बड़ी अच्छी है, दिल कने काम करना है, कने तुम्हारे साथ अच्छे लोग मिले हैं, तुम्हारी प्रधान जड़ी इन आजकल मैं प्रधान जी ने अपने अंग्रेजी अंदर भी बोलिया तो बड़े घट हमारे। अगर मैं आपको अपने इसके अंदर ही बोलूँ, अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर ही बोलूँ, तो आजकल रिजर्वेशन है तो महिलाएं रिजर्वेशन के द्वारा जो है पंचायती राज में चुन के आ रही हैं, बहुत घट ऐसी महिलाएं हैं, वरना क्या होता है कि महिलाएं कम बोलती हैं उनके पति ज़्यादा बोलते हैं, लेकिन ये कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो खुद आगे आके अपने उसके साथ जो है विवेक के साथ जो काम कर रहे हैं। तो आने वाले वक्त के अंदर मैं आशा करता हूं कि और भी जो महिलाओं का प्रतिनिधित्व होगा उसमें जो है एजुकेटेड महिलाएं आएंगी आगे। और ये ज़रूरी नहीं है कि जो पढ़ा लिखा होता है वो ही आगे बढ़ता है, एक कॉमन सेंस होती है, भगवान ने कईयों को दी होती है, कॉमन सेंस बोलते हैं उसको। मैंने ऐसा देखा है कि दुनिया के अंदर जो सबसे शक्तिशाली लोग हैं कई बार वो इतने पढ़े लिखे नहीं होते पर वो पढ़े लिखों के ऊपर राज करते हैं। तो ये जरूरी नहीं होता कि विवेक अपनी कार्यकुशलता इतनी जबरदस्त होती है कि वो तरक्की के रास्ते पे अग्रसर होते हैं। तो मैं एक बार फिर ज्यादा लंबा नहीं बोलूंगा क्योंकि मेरे को बोला गया है कि भाई कोलड़ी 5 बजे से पहले पहले जो है हमने मीटिंग करनी है। तो एक बार फिर मैं आप सब लोगों का जो है धन्यवाद करना चाहता हूँ, इतनी जबरदस्त मीटिंग पंजो के अंदर सर्दी के टाइम के अंदर शॉर्ट नोटिस के अंदर आप लोगों ने संभव की। मैं सदैव आप लोगों का जो है ऋणी रहूंगा और जो भी आपके लिए मेरे से बन सकेगा मैं आपके लिए तत्पर जो है हमेशा जो है खड़ा रहूंगा। आपने 2-3 महीने का मुझे समय देना, जरा सेटलमेंट करनी है सारी, शिमला जाना है और सारी चीजें सेट करनी है। तो बड़ा अच्छा समय है, लग रहा है कि अच्छा समय आ रहा है और मिलजुल के जो है आपकी पंचायत को जो है तरक्की के रास्ते पर लेके जाएंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ विराम लूंगा। जय हिमाचल, जय चंबा, जय पंजो, धन्यवाद। नीरज नैया, नीरज नैया, नीरज नैया, जिंदाबाद। जी सारे राजू भाजी, हाँ जी, वो क्या बात है, क्या बात है, आशीष और ललित जी आए हो, बजाई रखी गड्डी है। मैं सोचा धन्यवाद है सब ना कि कुछ कमाना भी कमाना कमाना ये हमारी क्या हालत है। चलो आज तो है साहब धन्यवाद करना, इसके बाद प्रोग्राम रोड पर ही आना है। ओ जितने फ्री डिमांड आ रही है आज तक
ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੇ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾਤ ਤੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸਾਂ ਜੇ ਬੋਲੇ ਸੀ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁਣੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਹੀ ਤੇ ਸੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਗਲਾਈ ਤੇ ਵੀ ਰੋਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਬੰਦੇ ਇੰਟਰਡਕਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਾਗੇ यहाँ क्या कर रहे हैं आप यहाँ मेरी पोस्टिंग है चलो सर वो बीप इंतजार होना कर कुर्सियों पर जाकर अपना स्थान ध्यान करें। हमारे
आदरणीय माननीय विधायक सदर चंबा नीरज नैयर जी हमारे बीच में पधारे हैं और उनकी मिसेज श्रीमती भारती नैयर जी हमारे बीच में पधारे हैं तथा उनके साथ आए हुए गणमान्य सभी हम कोल्डी पंचायत की जनता आपका दिल से दिल की गहराइयों से स्वागत करते हैं। अपने प्रधान जी को बोलता हूँ कि दो शब्द अपने रखें। नीरज नैयर जी नव निर्वाचित विधायक विधानसभा क्षेत्र चंबा, सम्माननीय श्रीमती भारती नैयर जी तथा जिला कांग्रेस कमेटी के महासचिव सुदर्शन ठाकुर जी तथा ग्राम पंचायत कोल्डी की समस्त जनता, सर्वप्रथम मैं श्री नीरज नैयर विधायक का अपनी तरफ से तथा अपने ग्राम पंचायत कोल्डी की तमाम जनता की तरफ से जीत के लिए हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं देता हूँ। विधायक महोदय, हमारी पंचायत के मैक्सिमम रोड की समस्याएं हैं जिनको आप प्राथमिकता के आधार पर पूरा करेंगे और अब मैं ज़्यादा ना बोलता हुआ, समय का अभाव है इसलिए सभी नीरज नैयर जी और उनके साथ आए सभी गणमान्य लोगों का दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। अपने कोली पंचायत सारी हमारी प्रबुद्ध जनता, हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारे बुजुर्ग, हमारे यूथ के साथी, आज तुसी सारे इतने इकट्ठे हुए, मैं तुसा दा धन्यवाद करना चाहता। गल है कि तुसा नू पता ही है 18 दिन पहले इलेक्शन का रिजल्ट निकलिया ते इस बारी 15 साल बाद तुसा लोका दी बदौलत जड़ा है एक इतिहास जड़ा है वो रची गया। 15 साल का चंबे कॉन्स्टिट्यूएंसी अंदर भाजपा का विधायक रहा और इस बारी 15 साल बाद हर जगह मैं बोलता रहा, हर मीटिंग अंदर तुम्हारे इतने भी कम से कम मैं 10 बारी आया होना मीटिंग करने, जो आज इतने हुई है 2-3 बारी कोलड़ी हुई, अलग अलग जगह अंदर असी मीटिंग की थी, इतने छिंज थी ता भी आया थी, मैं छिंज के दौरान भी आया थी, तो मैं हर जगह एक ही चीज बोली कि भाई 14 साल राम भगवान जो बनवास होया थी तो कांग्रेस 15 का हो गया इस बारी तोड़ो, तो मुझे लगता है कि कुछ ऊपर वाले ने भी सुनी तो जनता ने भी सुनी तो ठीक ठाक टिकाई के जड़ा से बनवास है से जड़ा है टूटिया है, तो इसी वास्ते ये जड़ा मैं प्रोग्राम अज का बनाया है, मिलिया MLA इलेक्शन जीती तो जाते उसके बाद मीटिंग अंदर आते पर धन्यवाद करने वास्ते नहीं आते, तो मैले आए मेरे का 5-7 दिन थी है अजय कि जो कि 31 दिसंबर बाद जड़ी है हमारी ओथ जड़ी है मैले दी वो 31 दिसंबर बाद होनी है, तो मैले मेरे का 5-7 दिन इन पे दे कि जो ना मैं भुंजा पंचायत है इन चंबे कॉन्स्टिट्यूएंसी अंदर, तो मैले हर पंचायत अंदर जाई के मैं अपने वर्करा ने जाई के धन्यवाद करा जिन्होंने दिन रात मेरे वास्ते काम किए थे जीत जड़ी है मुझे दिलवाई, तो धन्यवाद करने वास्ते आज मैं तुम्हारे पीछे आया था, जरा घंटा घर में लेट हो गया, ठंड बड़ी ज्यादा है, तुसी लोग सच्चे हैं, इलाका बड़ा ठंडा है लेकिन खूबसूरत भी है, सर्दियों अंदर जरा ठंडा है तो गर्मियों अंदर स्वर्ग है, ठीक है ना, हर सिक्के के दो पहलू हर जगह होंगे, तो बाकी गल ज्यादा लंबी चौड़ी मैं बोलना नहीं चाहता, मैं एक चीज बोलने वास्ते आया, अज मैं अपना परिवार भी करने लेके आया, मेरी धर्मपत्नी भी मेरे कन्ने है, मेरे बच्चे भी मेरे कन्ने है, मैं लिया सारे जाए के जिस जनता ने तुसा दे बच्चों के डैडी जो ते धर्मपत्नी दे पति जो जताई के भेजा असी नतमस्तक हो के सारे का धन्यवाद करने वास्ते आए, तुसा लोगों की बदौलत जड़ा है कांग्रेस पार्टी इतने जीती मैं जीतिया, तो मैं तुसा जो एक विश्वास दिलाना चाहता कि रुके दे इन असी डेवलपमेंट वास्ते जड़ी है उस जो जड़ा है असी जोर देना है, हमारे जड़े इतने के प्रधान हैं चमन जी अपने कांग्रेसी हैं पक्के और इन्होंने मुझे बोले है कि कोरोड़ी अंदर ज्यादा जड़ी समस्या है वो है लिंक रोड, मुझे बोलते हैं कागज पत्र तैयार करो जड़े लिंक रोड हैं 2-4-5 तो असी जड़जड़ाहट कर रहे हैं, मैं चाहता कि MP के इलेक्शन का पहले कुछ ना कुछ काम शुरू हो जाए ताकि हमारा कुछ और बढ़ोतरी हो जाए हमारे MP इलेक्शन का पहले,
ਜੇ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਫਰਕ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਐਮਐਲਏ ਦਾ ਇਸ ਐਮਐਲਏ ਅੰਦਰ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਰਾਈ ਦਿਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਡੀਸੀ ਦਾ ਡੀਸੀ ਆਫਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੈਸੇ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਕਰਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਦੋ ਸੜਕਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲਦੇ ਸਭ ਕੁਛ ਡੀ ਪੀ ਆਰ ਵਗੈਰਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕੁਛ ਕੰਮ ਅਟਕੇ ਨੇ ਇਨਸੇ ਮੈਂ ਬੋਲੇ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ ਅੰਦਰ ਲੈ ਆਓ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਬਾਕੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕੋਲੜੀ ਪੰਚਾਇਤ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮਾਰੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਬੜੋਤਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਕੋਲੜੀ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੋਟ ਪੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪੁੰਦੇ ਸੀ ਆਵੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਪੋਲਾ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਭਰੋਸਾ ਹੋ ਜਾਏ ਲੋਕ ਇਹ ਨਾ ਦੇਖਣ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਲੋਕ ਇਹ ਦੇਖਣ ਕਿ ਕੁੱਲ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤਰੱਕੀ ਕੁੱਲ ਪਾਰਟੀ ਕਿਰਾਏ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਾਕੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਖੰਭੇ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਤਾਂ ਸੋ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅਵਗਤ ਕਰਾਓ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਿੱਧੇ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਫਿਲਹਾਲ ਬਿਨਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਬਿਨਾਂ 50% ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਅਸੀਂ ਸਰਵੇ ਕਰਾਉਣੇ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮਾਂ ਮਾਰੀ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣੇ ਵਾਲੀ ਹੋਊਗੀ ਉਸ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਧਾਮ ਧੂਮ ਲਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਰਹੋ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਵੀ ਸੀ ਆਏ ਦੀ ਇੱਥੇ ਕੈਂਪੇਨਿੰਗ ਅੰਦਰ ਸੇ ਕਾਸ਼ਿਆਲ ਗਈ ਸੀ ਉੱਪਰ ਸੇ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਕਾਸ਼ਿਆਲ ਕੀ ਸੜਕ ਚਾਹੀਦੀ ਤੂੰ ਬੋਲਿਆ ਪਾਪਾ ਮੈਂ ਬੋਲ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਮਤ ਕਰਾਉਣਾ ਮੈਲੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਅਗੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿ ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸੀ ਦੌੜੇ ਦੇ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਮਿਸਿਜ਼ ਅਲੱਗ ਸੀ ਦੌੜੇ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਸਦੱਸਿਆ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਥੀ ਦੌੜੇ ਦੇ ਤਾਂ ਮੈਲੇ ਚਲੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਾਕੀ 5 ਸਾਲ ਮੈਂ ਬਸ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਚੰਬੇ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹੈ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਉਸੇ ਦੀ ਹਮਾਰੇ PHC CHC ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਕਦਮ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਸਕਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਮਾਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹੈ ਇਸ ਅੰਦਰ ਗਾਇਨੋਕੋਲੋਜਿ ਬੜੇ ਘੱਟ ਹਨ ਕੋਈ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋਏ ਟਾਂਡਾ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਅਸਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਾਂ ਇੱਕ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਸਾਲ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਘੱਟ ਕਾ ਘੱਟ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਕਿੰਨੇ ਡਾਕਟਰ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿਸ ਕਰੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦਾ ਚਾਲੂ ਹੋਈ ਹੈ 100% ਤਾਂ ਇਕਦਮ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇੰਨਾ ਕਰ ਹੋਈ ਜਾਏ ਕਿ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਕਰੇ ਚਲੀ ਪਏ ਅਬੇ ਆਦਰਣੀਏ ਪੂਰਵ ਵਿਧਾਇਕ ਸਰਕਿਟ ਹਾਊਸ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਹਨੇਰਾ ਇੱਕ ਵਕਤਵਯ ਸੁਣਿਆ ਔਰ ਬੋਲੇ ਕਰਦੇ ਸੀਏ ਕਿ ਅਜੇ ਤਾਂ ਹਨੇਰੀ ਓਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬੋਲੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲੈ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਦਰਣੀਏ ਵਿਧਾਇਕ ਜੀ ਜੋ ਇਹ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਓਥ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਓਥ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਚਾਲੂ ਕਰੀ ਦਿੱਤਿਆ ਜਲਦੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਹੈ ਕਿ ਅਚਾਈ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਨ ਉਮਰ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੱਡੇ ਹਨ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਤੂੰ ਲੱਗੀ ਪਿਆ ਕੰਮਾਂ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਠੀਕ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕਰਨੇ ਹੈ ਬਜਾਏ ਇਸਦੇ ਸੇ ਉਲਟਾ ਥੀ ਬੋਲੇ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀ ਦਿੱਤੇ ਅਜੇ ਤਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਅਰੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤੀ ਗਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਈ ਗਿਆ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੇਟ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਇਸ ਅੰਦਰ ਕਿਆ ਬੋਲਣੇ ਦਾ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਗੱਪ ਹੈ ਨਾ ਲਾਇਆ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕਰੇ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਬੋਲਣੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਵੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਜੋ 5 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਉਹ ਥੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਹਨੇਰੀ ਥੀ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹਨੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਥੀ ਹਨੇਰੀ ਮਿਸਿਜ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਥੀ ਸਾਰੇ ਤੰਤਰ ਹਨੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਅੰਦਰ ਥੀ ਅਵੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਸਕਦੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਿੰਨਾ 40 ਸਾਲ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਕੁੜੀ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਨਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦੀ ਬੜਾ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਕੇ ਕਰਦੀ ਨਾ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਰੀ ਸਕਦਾ ਨਾ ਉਹ ਕੁਛ ਕਰੀ ਸਕਦੇ
जनता का जो फैसला है वो भगवान का फैसला है और जनता ने अब जो फैसला करना है जनता ने फैसला कर दिया है और अब जो है उनको जो है जो जनमत है उनको जनमत का सम्मान करना चाहिए, उनको जनमत का सम्मान करना चाहिए और 5 वर्ष का मौका हमें भी देना चाहिए और 5 वर्ष बाद फिर दोबारा से इलेक्शन होगी और ना मैं फैसला कर सकता हूं कि मैंने काम कैसा किया ना वो फैसला कर सकते हैं कि उन्होंने काम कैसा किया। फैसला करने वाले फिर आप ही जनता हो, आप ही लोग फैसला करोगे, आप ही के हाथ में चाबी होगी, आप ही के हाथ में बटन होगा, आप ही लोगों ने फैसला करना है। तो मैं तो बड़ी शिद्दत के साथ और सच्चाई के साथ जो है मैं काम करने के लिए आया हूँ। क्या मैं कर सकता हूँ, क्या मैं कर पाऊंगा, ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन एक अच्छी नीयत है, एक अच्छी सोच लेके मैं चला हूँ। और सबसे पहले जो मैंने पहला काम किया, मैंने बोला 52 पंचायतों के अंदर 9 दिनों के अंदर मैं चक्कर लगाऊंगा और सब मेरे जो वर्कर हैं जिन्होंने दिन रात जो मेरे साथ काम किया है मैं उनका सबसे पहले धन्यवाद करूंगा। तो यहां से मैंने शुरुआत की है और आज इन 9 दिनों का जो है पहला दिन है और पहले दिन 7 पंचायतें जो है मैं कवर करने जा रहा हूं और अभी ये जो मीटिंग के अंदर मैं हूं ये इस कड़ी की ये 6वीं पंचायत है। आज सबसे पहले हम उदयपुर गए, उदयपुर के बाद हम बनौता गए, बनौता के बाद हम द्रटा गए, द्रटा के बाद हम पंजो गए, पंजो के बाद हम चीलबंगला गए, चीलबंगला के बाद हम अब आपके पास कोलड़ी आए हैं और कोलड़ी के बाद अब लास्ट मीटिंग जो है हमारी वो है सिंगी के अंदर। ठीक है, तो 7 पंचायत मैं धन्यवाद करी देता, तुसा लोगों का आशीर्वाद प्राप्त करी लेता, तुस मैं चाहता कि तुम्हारा आशीर्वाद मेरे सिर पर रहे क्योंकि तुम्हारे बिना मैं भी कुछ नहीं है, तुसी बनाया है, बनाया भी तुसी है, तो हाथ की चाबी सारी तुम्हारे हाथ अंदर ही है। तो चलो सारे का बड़ा बड़ा धन्यवाद। अबे वक्त क्योंकि अबे सरकार नोई नोई बनी है, 2-3 महीने सरकार जो सेटल होने जो लगते हैं तहां तक मैं 52 पंचायत अंदर प्रधाना जो भी मिले करता है, जितने हमारे प्रधान नहीं आए करते हैं उत्ते जड़े हमारे पार्टी वर्कर हैं मैं उन्हें जो बोले करता है, जड़े तुम्हारे काम हैं 1-2 मोटे काम चाहे सड़क दे है चाहे पानी दे हैं या कोई अन्य कोई खंबे लाने कुछ हैं, प्रस्ताव तुसी बनाओ 8-10 दिन अंदर प्रस्ताव मेरे का लेके आओ ताकि हम असी शुरुआत करी दीए। बाकी सरकार 1-2 महीने अंदर पूरे तरीके के सरकार जो 1.5-2 महीने लगने चलने जो, तो फिर मैं चाहता कि आने वाला वक्त जरा है अच्छा कामकाज हो जाए ताकि 5 साल बाद कम से कम मैं तुसा का हाँ तो मुझे कुछ बोलने जो है कि मैं कुछ कितने तुम्हारे वास्ते मेरा हाल भी होना हो जरा पिछले विधायक ना हो। तो मैं इन्हीं शब्दों के मैं इन्हीं शब्दों के विराम लिंदा, मुझे पता बड़ा ठंड है सारे जल्दी अंदर होने घरे जाने वास्ते घंटा घर असी लेट हो गए करते करते। बहुत बहुत धन्यवाद कोलड़ी दे सारी जनता का, मैं अपने शब्दों जो इतने ही विराम देंगा। जय हिमाचल, जय चंबा, जय कोलड़ी, धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में आदरणीय सचिन ठाकुर जी महासचिव कांग्रेस डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी, वो भी अपने 2 वचन रखे। तुसी इतनी ठंड अंदर इतने कट्ठे होए एकत्रित होए और तुसने अपने तन मन धन कने जे वो हमारे सदर विधायक दा स्वागतम कितिया वेलकम कितिया, आज तो दिन है धन्यवाद 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 करने दा। अज का दिन सिर्फ धन्यवाद करने का है। मैं कोलड़ी की जनता ने दरख्वास्त करता कि जो हमारे कांग्रेसी थे तिन्होंने तो तन मन धन कने हमारा साथ देता, दिन रात एक किते, मगर जिन्होंने हमारा साथ नहीं भी दित्या
उन्हों का भी मैं धन्यवाद करता। और अगर उन्होंने अब हमारा साथ नहीं दिता तो आने वाले दिन अंदर वो जिन्हों को मैं उन्होंने दरख्वास्त करता कि वो जरूर हमारा साथ दें। हमारे नीरज नैयर जी सदर विधायक दे परिवार भी हमारा इतने इन्हों का परिवार भी इतने आया आए दें सारे जने मैडम आए दें और मैडम हमारी भारती नैयर जी जो है बहुत मेहनत कस हार्ड वर्कर इनकी नीरज नैयर को जिताने में आधा से ज़्यादा मेहनत इन्होंने की है आपने तो की है मगर ये भी गांव गांव गए पहाड़ नदी नाला ठंड गर्मी इन्होंने नहीं देखी। मैं एक बात भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बता देना चाहता हूँ और सदर बधाई को भी पूर्व में जो रहे हैं उनको भी बता देना चाहता हूँ कि दोस्तों आपने जो नवरत्न का बाजार खोला है आपने जो नवरत्न का बाजार खोला है उस बाजार में नीरज नैयर सदर विधायक ने भी एक दुकान खोल दी है। वो दुकान क्या है? वो दुकान है मोहब्बत की दुकान। आपकी नफरत की बाजार में नीरज नैयर ने एक मोहब्बत की दुकान खोली है। उस मोहब्बत की दुकान में आपको क्रोध नहीं मिलेगा, बदले की भावना नहीं मिलेगी, काम करने की भावना मिलेगी। वहां पे कोई भी किसी को दुख नहीं मिलेगा, रात दिन काम होगा। नफरत क्रोध गुस्सा जो आपके बाजार में मिलता था वो इस मोहब्बत की दुकान में आप नहीं मिलेगा। शालीनता से काम होगा, मधुरता से बात होगी और आप दिन रात सुबह शाम जब भी आना चाहे आ सकते हैं, अपना काम करवा सकते हैं। आपका काम, इनका काम, हमारा काम, सब काम हो गए। ज्यादा नहीं बोलता हूँ, धन्यवाद। जय हिंद। हमारे अंग्रेजे ये बात है ना दुआ नहीं है। चलो नमस्कार जी, फोन नंबर छुट्टी ना दे माफी हाथ जोड़ी के सारे का बड़ा बड़ा धन्यवाद। धन्यवाद करता है कि तुम सारे जने इतने कट्ठे हुए अज जे दिन है
ये सिर्फ नैयर साहब हमारे सदर विधायक बनने पर तुम्हारे आशीर्वाद कने, तुम्हारे सहयोग कने, तुम्हारी दिन रात दी मेहनत कने जे तुसने इन्हें जो MLA बनाया, ईश्वर ये सिर्फ धन्यवाद करने जो आए तुम्हारा कि तुसने हमारा सहयोग दित्या, कांग्रेस पार्टी का सहयोग दित्या, नीरज नैयर का सहयोग दित्या, तो अज ये चंबा सदर दे विधायक बने, ये तुम्हारा सभी का धन्यवाद, तुम्हारे सहयोग कने तुसने सारे ने दिन रात मेहनत की, एकजुट हो करी तुसने असो सिंगी का सिंगी पोलिंग बूथ का असा जो लीड दी, ये बड़ा बड़ा श्रेय है सिंगी की जनता, सिंगी की महिला मंडल, सिंगी का जो यूथ है, सिंगी का जो हमारे बुजुर्ग बार ने इन्हें जो जाना ये क्रेडिट, इस वजह कने जो सिंगी का असो लीड मिली, और सिंगी का ही नहीं दड़ौगा जो पोलिंग स्टेशन है, दड़ौगा पोलिंग स्टेशन असी 80-80, 90-90 वोट, 100 वोट असी डाउन होंगे थे, इस वेरी दड़ौगे का 150 वोट असा जो है ना, तो 152 वोट BJP जो ने, नहीं तो 100 वोट असी डाउन होंगे थे, ये बड़ी बड़ी खुशी की गल है, बड़ी भरी तुम्हारा आशीर्वाद रहा, बड़ा भरी तुम्हारा आशीर्वाद रहा, सहयोग रहा, जिस कने के नीरज नैयर 8000 वोटा कने तुम्हारी वजह कने जीते, 122 वोट घट 8000, चंबे अंदर रिकॉर्ड बनिया, चंबे अंदर आज तकर कोई भी MLA कोई भी मंत्री जे पहले रे इतने वोटा का कोई नहीं जीतिया, जितने का नीरज नैयर जी जीते, ये पहली बेरी है, पहली बेरी, ये तुम्हारा सहयोग है, तुसने दिन रात मेहनत की और एकजुट हो करी नीरज नैयर जो दे निशान पर हाथ पर मोर लाई और इन्हें जो सदर विधायक बनाया, आवे जो भी काम होगा, दिन होंगी, रात होंगी, सवेरा होगा, शाम होगा, आंधी होंगी, तूफान होगा, दिन रात मेहनत करने वास्ते ये खड़े हैं, जो भी काम होंगे प्रायोरिटी पर काम होने, हाँ मुझे पता मैं कई जगह कई स्टेशन पर जो है ना नैयर साहब पूजे ना इन्हें मैडम पूजे, तो उत्ते मैं गया तो तुम्हारा जी मिल्ला रोड है, मिल्ला रोड जो है मैं इन्हों दस दिता कि मिल्ला रोड जो मैं जब गया था उत्ते असी गए थे तो उन असी कमिटमेंट की दी है कि मिल्ला रोड जो है किसी भी सूरत अंदर जो है 3-4 महीने अंदर असी मिल ठीक है, बाकी और पेरे जन ऐसे बाद की गल है पर तुम्हारी सिंगी की गल है, बाकी मैं ज़्यादा नहीं बोलता हुआ इन्होंने धन्यवाद करना तुम्हारा, तो ज़्यादा नहीं बोलता हुआ मैं तुम्हारा सारे इतने कठिने पर कट्ठे होने पर धन्यवाद करता, अभिनंदन करता, अब मैं जो है दरख्वास्त करता कि प्रधान जी ने नीरज नैयर जो शॉल और टोपी पहनाई करी इन्होंने सम्मानित करना, प्रधान जी शॉल पहनाई करी सम्मानित करना, बिंद भाई धन्यवाद करना हमारे सदर विधायक नीरज नैयर ने, क्योंकि धन्यवाद करने वास्ते तुस इत्थे आया पूरा परिवार, ये परिवार बच्चे समेत फैमिली समेत तुम्हारा धन्यवाद करने जो आए, तो ये अब दो लफ्ज तुम्हारे सामने पेश करते हैं श्री नीरज नैयर जी, इधर सारे का पहले तो मैं सिंगी पंचायत की प्रबुद्ध जनता जड़ी आज इत्ते शामिल है मीटिंग अंदर, मेरी माताएं, मेरी बहना, मेरे बुजुर्ग, मेरे यूथ के साथी, मुझे पता है मैं थोड़ा लेट हो गया सिंगी आंदे आंदे, आज न्यारा हो गया, कल ये मेरे का टाइम बड़ा घट थिया, कल ये है कि मेरी ओथ हो ही सकता 31 दिसंबर बाद कुछ भी टाइम हो सकती थी, इस टाइम मेरे का टाइम दिया, तो मैं सोचा कि जो ना 52 पंचायत है इन चंबे कॉन्स्टिट्यूएंसी अंदर, लोगों ने इन्ना मान सम्मान आशीर्वाद दिते, 8000 तकरीबन 8000 वोटा कने कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट मैं यानी कि जीती क्या, उस अंदर सिंगी पंचायत का भी बड़ा भारी योगदान है, गल ये है
कि मैं अपने परिवार कने अपनी धर्मपत्नी कने अपने बच्चों कने तुम्हारा धन्यवाद करने वास्ते आया कि तुम तुसा लोकां दी बदौलत अज मैं विधानसभा तक पुज्या। सारे दा योगदान रहा, जिन्होंने वोट पाए उन्हेरा भी योगदान है, नहीं पाए उन्हेरा भी कोई दे गल नहीं, उन्हेरा भी योगदान है, क्योंकि मैं हमेशा एक सिद्धांत पर चलिया, गरीब आदमी की कोई पार्टी नहीं होंगी, जड़ा गरीब आदमी का काम करता वो ही उसेरी पार्टी बनती। मैं इसी सिद्धांत अंदर चलिया, अगे भी मैं इसी सिद्धांत अंदर चलना, जिन्होंने वोट नहीं भी पाए से भी मेरे वास्ते कोई पराए नहीं है। एक चीज कने दूजी चीज मैं बोलना चाहता, ये जरूर है जड़े वर्कर हमारे कने दिन रात चले तो प्राथमिकता उन्हेरी होंगी, पर इसेरा मतलब ये नहीं होंगे कि जड़े खिलाफ चले उन्हेरी असी मुड़कियां कटी देनी जी। आप पिछली सरकार ने किता से असी काम नहीं करना, असी बिन तरीके कने काम करना है, असी अपने इलाके वास्ते डिवेलपमेंट करनी है। सिंगी पंचायत की आपे बोले है, सड़का की गल है, एक दो सड़का हो रहे, अज का सिर्फ धन्यवाद करने का प्रोग्राम है। अज 7 पंचायत कवर करी के आए असी, पहले असी उदयपुर धन्यवाद किते, उसके बाद बनौते धन्यवाद किते, उसके बाद दरडे धन्यवाद किते, उसके बाद पंजो धन्यवाद किते, उसके बाद चील बंगला धन्यवाद किते, उसके बाद कोलड़ी धन्यवाद किते, उसके बाद अज सिंगी सिंगी के बाद रिंडा है। तो प्रोग्राम 9 दिन अंदर मैं 52 पंचायत 9 दिन अंदर मैं धन्यवाद करना ही करना है, चाहे जो मर्जी हो मैं करना है, कि जो कि तुसा लोगों के आशीर्वाद के बिना यह सब संभव नहीं थी। तो मैं कुछ भिन्न तरीके कने काम करना चाहता, विधायकता आंदे भी रहे, मेरे पिता जी भी रहे, बड़े मान साहब भी रहे, और भी रहे, नैयर साहब भी रहे, बीके चौहान जी भी रहे, आदरणीय सारे आदरणीय, और सारे ने अपने तरीके कने काम करने की कोशिश की। कोई भी विधायक यह नहीं चाहता कि मैं काम ना करा, पर हर आदमी का काम करने का अपना तरीका है, तो मैं अपना भिन्न तरीके कने काम करना चाहता। तो मैं तुसा लोगों जो एक चीज़ बोलता, अज मैं तुम्हारे बिच आया मिंदर प्रधान इतने है, मैं बोलता मिंदर जड़े तुम्हारे प्रायोरिटी दे एक दो काम हैं, चाहे पानी का है चाहे सड़क का है, जड़े बड़े बड़े भारी जरूरी है, बड़े भारी तुसी काम मिंजो बोली देंगे तो काम नहीं बनना, पहले जड़े बड़े जरूरी हैं एक दो से दो, असी उस जो पच पाते उसेरा कुछ हल कर दे। भाई बोल बोल, बाकी बाकी जिया जिया बाकी जिया जिया आगे कारवा पता जांगा, मेरी कोशिश बाकी बिजली खंबा आपा होर कोई दे छोटे छोटे काम से भी तुसी दस करते। मैं कुछ दिमाग अंदर स्कीम है सोचे थी काम किया करने से, अजय मिंजो 2.5 महीने 3 महीने मिंजो लगने, अजय सरकार पूरे तरीके कने तंत्र अजय बैठा नहीं है। अबे इसी जगह मैं 2 दिन पहले आया थी, इससे 2 घर जो आग लगी थी कुछ आगे बाद में इतने आया थी, उसका पता नहीं ध्यान है कि नहीं है। मेरी कोशिश है जितने तक मेरी जान चल दी किया जिम्मेवारी मेरे सिर पर पूनी, तो हर जगह मिंजो पुजना संभव नहीं होना, तो फिर ही मेरे नुमाइंदे आने मेरी जगह अंदर जितने मैं नहीं पुज सकता, तो हमारे ठाकुर साहब हो गए मिंदर ये सारे हो गए ये आई सकते मेरी तरफ का, बाकी जड़ी जड़ा काम करना है ये तो मैं करना ही करना है। काम करने का असी एक तरीका कढ़ना है ताकि लोगों जो जड़ी है जड़ा है उन्हें जो मेरे काम जड़े हो जाए, काम करने की कोशिश करनी है। इस बारी प्रभु की बड़ी कृपा रही कि चंबे अंदर विधायक भी कांग्रेस पार्टी का आया, ते प्रदेश अंदर सरकार भी कांग्रेस पार्टी की आई। पिछे हमारे आदरणीय पूर्व विधायक जड़े थे वो उन्होंने जो मैं टीवी अंदर सुने वो बोले करते थे कि अजे तक तो मेरी शपथ नहीं हुई, तो डीसी डूसी मीटिंग ले करते, तो मैं तुम्हारे माध्यम का उन्होंने एक चीज बोलना चाहता, चलो अजे मेरी शपथ नहीं हुई तो मैं तो विधायकी का काम करना जल्दी शुरू करी देते हैं। इस अंदर कोई बुराई थोड़ी है, इस अंदर तो अच्छाई है, इस अंदर तो मुझे समाची करनी चाहिए, बोलना चाहता कि कम हो गया। अभी देखो मेरी गल सुनो, ये बोलते ना 2 पहलवान लड़ रहे आपस अंदर, एक जीतता तो एक हारदा, ठीक है ये तो पिछली बारी वो जीते थी है अच्छी बैठे थी, अज तक कभी नहीं बोले यार कौन पहले आया कौन है ना बोलना चाहिए। फैसला जनता ने उन्हें कम के मुताबिक जड़ा है दिते, सिर्फ बोलने कने नहीं होंदा,
जनता का जरा फैसला है जमहूरियत अंदर से प्रभु की आवाज है और जनता ने अपना फैसला दे देते हैं और अब जनता जो जरा फैसला है उन्हें जो श्रद्धा कने जरा है वो मनना चाहिए और दूजा जरा नई पार्टी आई है नया नुमाइंदा आया है बजाय उसने कि उसेरा पीछा पकड़ना है उसेरी मदद करनी चाहिए उसेरा कटाक्ष नहीं करना चाहिए कोई गलत काम जो है गल हो रहा है तो मेरा बोलने का मतलब यह असी अपना काम करना है पांच साल हमारे जो मौका मिले असी शिद्दत कने काम करना है उसके बाद पांच साल बाद फिर इलेक्शन होनी है पता लगी जाना जे लोग खुश नहीं होंगे तो उन्होंने आपू करना मैं कौन हों बोलने वाला तो बाकी कोई कौन होंगे लोगों की आवाज होंगी जे लोग पसंद कर गए तो ठीक है नहीं कर गए तो मेरा भी हशर हो जाना पांच साल बाद जरा अनेरा होया तो बोलने का मेरा मतलब यह है कि मैं इसी वास्ते सारे का पहला काम मैं यही कितिया कि अपने परिवार सहित जरा मैं सारे पंचायत अंदर धन्यवाद करने वास्ते मैं सारी जगह जाया करता है ये भी एक नया तरीका है पहले कुछ नहीं कितिया मैं चाहता कि जितने मुझे वोट पे चाहे घट पे ज़्यादा पे वोट सारी जगह पे तो सारे का जरा है धन्यवाद करिया उसके बाद फिर मेरा शपथ होनी है मेरी 31 दिसंबर बाद मेरी शपथ होनी है उसके बाद फिर शिमले शुमले मेरे काम पे ही जाने मैं व्यस्त हो जाना तो मैं चाहता कि उसका पहले पहले जाई के जिन्हें लोगों ने इन्ना मान सम्मान सारे ने दिते सारे का धन्यवाद करिया ज़्यादा लंबा मैं बोलना नहीं चाहता अवे क्योंकि काफ़ी लेट भी हो गए तो एक बार फिर ही सारे का बड़ा बड़ा धन्यवाद बाकी मिंदर कने गल हो गई है तुम्हारे वार्ड मैंबर वगैरह जिन्हें भी हैं तुसी दो चार काम जड़े मेन मेन हैं प्रस्ताव पाओ मेरे नाम का प्रस्ताव पाओ तो मैं पूरी कोशिश करगा कि जड़ा काम है वो निकली सके ये मेरी कोशिश रहनी और इस बारी सिंगी पंचायत का जड़ा यूथ किया इस बार सिंगी पंचायत का यूथ जड़ा थिया जहाँ मेरी मीटिंग इलेक्शन के दौरान थल्ले हुई थी इतने ना थल्ले मैं उसी टाइम मैं बुझ गया थी कि इतने चमत्कार होने वाला है जिस तरीके कने यूथ ने मुझे चुकिया जिस तरीके कने मुझे प्यार दितिया मुझे पूरा आभास हो गया थी कि इस बारी जो है इतने चमत्कार होना और इतने हो ही के रहा फिर तो सारे का बड़ा बड़ा धन्यवाद जरा भी मेरे का हो सकता है जड़ी भी मेरे का कोशिश हो सकती मैं कोशिश करनी है मुझे थोड़ा टाइम दो समय दो मुझे जरा सेटलमेंट वास्ते बाकी आंदे जाते रहना तुम्हारा बिच इन्हीं शब्दों कने मैं विराम लिंगा जय हिमाचल जय चंबा जय सिंगी धन्यवाद।